एक्सप्लेन कर देंगे। इस प्रकार से आज का लेक्चर हम कैरी करेंगे और अंत में थोड़ा हम आप लोगों को बोलने का मौका इस मौके पर, 100वें एपिसोड के मौके पर, काफी लोग है, शुरू से है, ये हमारी तीसरी किताब है, तो ये सब हम थोड़ा सा ये आज का लेक्चर थोड़ा कर लेते हैं। इसके पश्चात थोड़ा समय रखेंगे अपने मन की बात सबको बोलने के लिए, जरूर अवसर मिलेगा। ये जो है ये 17 दिसंबर 1927 को बाबा ने ये लेक्चर दिया था और पिछली बार भी हमने इसमें बहुत सुंदर वो टॉपिक था कि सात सूरज, तीन जगत और उसके सात सूरज। और बाबा ने हमेशा कहा है कि उत्पत्ति बिंदु के लग के जो है वो महत्वपूर्ण है। ये तीनों जगतों का बाबा ने उनको नाम दिए है ए बी और सी, ये तीनों जगतों का मिलके सातवां जगत होता है और ये तीनों जगत के अपने अपने सूरज है। हमने एक नई बात समझ ली यहाँ पर कि सूरज का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है, सूरज मतलब ये जगत की छाया है और इसीलिए वो जगत से ज्यादा बड़ी है और वो प्रकाश पाता है प्रकाश गोल से और वही प्रकाश वापस वो जगत पर, धरती पर परावर्तित कर देता है। तो इस प्रकार से ए बी सी तीनों एक के नीचे एक है, एक विशिष्ट एंगल में है, कोण में है और इसी कारण ए जगत का एक सूरज है, बी जगत का भी अपनी छाया के कारण एक सूरज बनता है। अब वो सूरज में, वो सूरज प्रकाश गोल से भी प्रकाश पाता है और ये जगत का जो सूरज की छाया उसमें प्रतिबिंब पड़ा है, प्रकाश परावर्तित हुआ है, उसको भी वो परावर्तित करता है। तो इस तरह से बी जगत के दो सूरज बन जाते हैं और ये दो सूरज बी जगत को वापस अपना प्रकाश परावर्तित करते हैं तो बी जगत पे दो सूरज दिखाई देते हैं। इस प्रकार बाबा ने वहां पे एक लालटेन और ऐना इसका उदाहरण देके समझाया था कि कैसा ऐने का कोण बदलने से एक ही लालटेन की कई सारी प्रतिमाएं बनती हैं। इसी प्रकार सी सूरज की अपनी प्रतिमा से एक उसका सूरज बनता है, वो सूरज प्रकाश गोल से प्रकाश पाता है। उसी प्रकार जो बी सूरज है, बी जगत है, बी जगत में जो दो सूरज है उनकी प्रतिमा का भी परछाया इस सूरज पे पड़ के इसके चार सूरज दिखाई देते हैं और इस प्रकार सी जगत के साथ चार सूरज होते हैं तो 4+2+1 इस प्रकार सात सूरज है। पर असल में बाबा ने बोला कि ये प्रतिछाया है, वास्तविक तीन ही सूरज है। तो ये जो सात सूरज के बहुत सारे रहस्यमय पहेली थी उसको बाबा ने पिछले लेक्चर में हमने उसको देखा है कि बाबा ने उसको सुलझाया है। आज हम देखेंगे द इवोल्यूशन ऑफ द वर्ड्स। आई होप गोयल सर सेट हो गए हैं। Yeah, yeah, Simon. So it's page 192. The evolution of the worlds. In an earlier talk we said that there are seven worlds as represented in figure 23 and all of them are inhabited. Consider the worlds 1 to 7, D to J in the diagram. Evolution advances variously in these seven worlds as detailed in our earlier explanations. That is, only stone can be found in the first world, stone and wind in the second, stone, wind and metal in the third, and so on until the seventh world where the full range of forms makes its appearance from stone to human beings. As to the realization of God, that can be achieved only in the seventh world and within that world only in the sub-world A, which is a member of the three-world group A, B and C, and as was indicated in figure 8 on page 125, and as is depicted again, as the top three circles marked A, B, and C, marked 7 in figure 23. Thank you, sir. इसको मैं as it is अभी पहले हिंदी में बोल देती हूँ, फिर गांगड़े सर इसको समझा देंगे। पिछली बातचीत में
हमने कहा था कि सात दुनियाएं हैं, जैसा कि चित्र 23 में दर्शाया गया है। ये जो आप लाइनें देख रहे हैं ना, ये आपके सामने आकृति 23 है। ऊपर अर्धगोल है जो परमात्मा है, बीच में एक बिंदु है जो कि क्रिएशन पॉइंट है, ओम बिंदु है, उत्पत्ति बिंदु है। और इसके अगल बगल में डी ई एफ जी एच आई जे ऐसा लिखा है। हाँ, ये उल्टी छतरी जैसा, या उसको उन्होंने एक उपमा दी थी इस चित्र को। तो ये जो चित्र सामने दिखता है, ये सातों जगत है। ये बीचों बीच एक सीधी लाइन है, जी लिखा है उसको, ये सातवां जगत है। इसके इर्द गिर्द लेफ्ट एंड राइट में बराबर तीन यहाँ तीन वहां, मतलब छह जगत है। और ये सातवां जो है, ये जी है, जो सातवां जगत एक अपने आप को एक जथे में प्रस्तुत करता है, जैसे कि ए बी और सी, ऐसे तीन छोटे जगतों का मिलके ये सातवां जगत है। तो आज हम इसी ए बी और सी के उत्क्रांति के बारे में समझने वाले हैं। संक्षेप में हमने इसको पहले समझ लिया था, आज यहाँ पर क्लियर कट बाबा समझा रहे हैं। तो ये जो दर्शाया गया है, जैसा कि चित्र 23 में दर्शाया गया है, और वे सभी आबादी वाले बसे हुए हैं। आबादी हैबिटेशन है वहां पर, चाहे वो पत्थर हो, चाहे जानवर हो, चाहे हवा हो, कुछ ना कुछ है। पर जैसे कि ये जो सातवा है, ये आबादी वाला, मतलब यहाँ पर इंसान भी है। अब वो किस प्रकार के हैं, उनका विकास किस प्रकार से हुआ, ये सब हम बाबा हमें आगे समझाएंगे। आरेख में, इस आकृति में, एक से सात, डी से लेके जी तक पर विचार करें। ये जो चित्र है आपके सामने प्रस्तुत है, जैसा कि हमारे पहले के स्पष्टीकरणों में विस्तार से बताया गया है, इन दुनियाओं में विकास अलग अलग तरह से आगे बढ़ता है, मतलब उत्क्रांति जो है इन जगतों में भिन्न तरीके से होती है। किसी में केवल पत्थर है, किसी में केवल पानी है, किसी में बुद्धि और हृदय का प्रतिशत जो है असमान है, इस तरह से। अर्थात मतलब इसमें भी हैबिटेशन है, आबादी है, पर वो अलग तरह की है। हर एक का अपना काम है, हर एक की अपना एक रोल है इस सब दुनिया के खेल में। अर्थात प्रथम जगत में केवल पाषाण ही मिलेगा, जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि एक जगत है जहाँ केवल वायु है, दूसरा जगत में केवल वायु और पानी है, तीसरे में केवल वायु पानी और पत्थर है। इस प्रकार से उसका विकास की क्रम जो है, उत्क्रांति जो है, बढ़ते स्तर पर है। अर्थात प्रथम जगत में केवल पाषाण ही मिलेगा, दूसरे में पत्थर और हवा वायु, तीसरे में पत्थर वायु और धातु, और इसी तरह सातवीं दुनिया तक, जब पत्थर से लेकर प्राणियों तक रूपों की पूरी श्रृंखला प्रकट होती है ईश्वर की प्राप्ति के लिए। अब आता है महत्वपूर्ण मुद्दा, ईश्वर की प्राप्ति के लिए, मोक्ष या मुक्ति के लिए, इसे केवल सातवीं दुनिया में ही प्राप्त किया जा सकता है। ये जो सातवीं दुनिया है, जो सीधी रेखा है उत्पत्ति बिंदु से, जो जी है, इसमें भी ये सातवां जो जगत है, ए बी सी जथा है, इसमें जो ए है, केवल ईश्वर की प्राप्ति ए में ही हो सकती है, क्योंकि ये उत्पत्ति बिंदु से एकदम लग के है, पास में है, सबसे नजदीक है। दूसरा कारण बाबा ने आगे समझाया था कि केवल ए जगत ऐसा है जहां पर तीनों शरीर प्राप्त होते हैं। तीनों शरीर कौन से? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और मनो शरीर। अब इनकी जरूरत क्यों है? क्योंकि स्थूल संस्कार सूक्ष्म बनेंगे, सूक्ष्म मनो संस्कार बनेंगे, तब जाके संस्कार खत्म होके ईश्वर की प्राप्ति होगी। हर एक का कारण है, ऐसी श्रृंखला में वो कारण समझ समझ के हमें उसको देखना है। रूपों की पूरी श्रृंखला प्रकट होती है ईश्वर की प्राप्ति के लिए, इसे केवल सातवीं दुनिया में ही प्राप्त किया जा सकता है। और उस दुनिया के भीतर केवल उपदुनिया ए में, मतलब सातवां जगत
मैं उप दुनिया ए क्यों कहा, क्योंकि ए बी और सी एकदम जहां सात अंक लिखा है श्वेतांबरी दिखा सकती है एरो के माध्यम से, वो सात का जथा हम देखेंगे तो क्या है, ए बी और सी है। तो इसमें केवल इसमें सातवें जगत में भी उसका जो उप जगत है ए, केवल उसी में ही हम उसको दुनिया नहीं बोलेंगे, क्योंकि शायद दुनिया का अर्थ थोड़ा सीमित हो सकता है कि विशिष्ट जनों का ही था, जैसे पशु दुनिया या स्वप्नों की दुनिया ऐसा। तो जगत थोड़ा अधिक व्यापक शब्द है ऐसा मैं समझती हूँ। तो ये जो सातवें जगत में केवल ये जो उपग्रह है, इसी दुनिया में केवल इसे ग्रह पर केवल ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। उप दुनिया ए में जो कि तीन दुनियों का समूह ए बी और सी का सदस्य है, ये जो तीन जगत है, दुनिया नहीं कहना चाहिए, ये जो तीन जगत है ए बी और सी, इसका सदस्य कौन है, ए। और ये ए में ही केवल ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। जैसा कि इस पेज में, इस आकृति में, पेज नंबर 125 जो हमने पहले देखा था, इसमें चित्र 8 में जो फिगर नंबर 8 आपको याद होगा, बहुत महत्वपूर्ण फिगर है, इसमें भी यही दर्शाया गया था। और जैसा कि चित्र 23 में फिर से शीर्ष तीन ए बी और सी के रूप में चिन्हित सात के रूप में दर्शाया गया है, यहाँ पर सातवां जो जगत है वो ए बी और सी के माध्यम से दर्शाया गया है। यहाँ पर लांगड़े सर का मैं वापस विनती करती हूँ कि थोड़ा सा वो इसको कोर पॉइंट्स को वापस समझा लीजिए। जय बाबा। जय बाबा दी। ताई ने इतना अच्छा बताया और सर ने भी इतना अच्छा बताया कि दोबारा उसकी डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ताई ने कहा तो फिर से इसके बारे में कहते। बाबा ने जो विश्व के बारे में जो सात जगत बताए हैं, तो ये जो फिगर नंबर 23 है जो जिसमें बताई कि पूरे विश्व में बाबा ने जो सात जगत बताए और सात वर्ल्ड 1 2 3 4 5 6 7 इनको नंबर दिए हैं, और इस जगत के साथ में हर एक जगत के साथ में उनके जो प्लेनेटरी रेंज यानी ग्रह मालिका वो भी बता दी है बाबा ने, और ग्रह के साथ में वो ग्रह मालिका भी जिसका D to J पूरा जो जो सेंट्रल में G है, उसके बाद में DEF तीन साइड में और HIJ ऐसे टोटल जो सात रेंजेस है ये प्लेनेटरी रेंजेस जिन्हें ग्रह मालिका इन जगत के साथ में हर एक जगत की, एक जगत की उसकी अपनी ग्रह मालिका, दूसरे जगत की उसकी अपनी ग्रह मालिका, ये ग्रह मालिका भी बाबा ने इस फिगर में क्लियर की है। तो ये जो अभी ताई ने बता दिया है कि जो सात जगत है, तो सबसे पहला जो जगत है उसमें सिर्फ पाषाण अवस्था बस यानी जो इनहेबिटेशन यानी जो इसकी सोल की जो जीवात्मा की जीवात्मा है वो सिर्फ पाषाण स्वरूप में है जगत एक नंबर में, और जगत दो पे है पाषाण और वायु, जगत तीन में बताए हुए है कि जिसमें स्टोन विंड एंड मेटल यानी पाषाण है वायु है और धातु, ये तीन बताए है। उसके बाद में जगत चार में जो है उसमें स्टोन विंड मेटल एंड वाटर, तो पाषाण भी है वायु भी है धातु भी है और पानी है इस तरह से। और उसके बाद में जो है फिफ्थ जो प्लेनेटरी रेंज है और जो फिफ्थ वर्ल्ड है उसमें बाबा ने स्टोन विंड मेटल वाटर एंड वेजिटेशन, जिसमें पाषाण हवा धातु पानी और वन सॉरी वनस्पति, ये सब चीजें बताई है फिफ्थ में। और सिक्स्थ में जो है एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग पूरा जो जीवात्मा का जो जो प्रवास है वो पूरा एनिमल्स तक का, यानी स्टोन विंड मेटल वाटर वेजिटेशन एंड एनिमल, यानी इसमें पूरे सिक्स्थ वर्ल्ड में या सिक्स्थ इसमें पूरे एनिमल तक यानी प्राणी तक जो है जीवात्मा का डेवलप, जीवात्मा इस सिक्स्थ वर्ल्ड में है। और जो सेवंथ वर्ल्ड जो है अपना जो सेंटर में बताया है जिसमें ह्यूमन बीइंग इसी वर्ल्ड में है, और जो जो सेवंथ वर्ल्ड है सातवां जो जगत बताया है उसके तीन उप जगत है,
ए बी और सी, और ए जो है इट इज द नियरेस्ट जो क्रिएशन पॉइंट को है, ए बी और सी है। तो ए में जो है जो अपना अर्थ है वो उसको रिप्रेजेंट करती है ए को, बी और सी को, तो ये तीनों में ह्यूमन बीइंग्स है। लेकिन ए जो है जहां अभी बताया कि मनो जगत और इसका जो विकास होता है सूक्ष्म जगत, क्योंकि गॉड रियलाइजेशन के लिए यही जगत पे आना पड़ता है, क्योंकि वो सी में रहो या बी में रहो या तो उसको री इंकारनेशन यानी पुनर्जन्म लेकर ए पर ही आना पड़ता है बाद में, तभी उसको वहां गॉड रियलाइजेशन। तो ए इज अ नियरेस्ट टू द क्रिएशन पॉइंट, जिसका महत्व है, जो अपनी पृथ्वी है जिसका महत्व बाबा ने बताया है। मेरे ख्याल से ठीक होगा। थैंक यू सर। गो अहेड सर। यस, नाउ व्हेन इट हैपेंस इन द कोर्स ऑफ टाइम दैट वर्ल्ड ए इन द सेवंथ वर्ल्ड रेंज और प्रोजेक्शन कूल्स डाउन, वर्ल्ड ए मूव्स असाइड इनटू द पोकल एंड द वर्ल्ड इमीडिएटली बिलो इट दैट इज वर्ल्ड बी टेक्स इट्स प्लेस। C moves into the position of B and the world below C rises up and fills the spot that C had occupied. How does all this transpire? Thank you, sir. तो यही महत्वपूर्ण मुद्दा है, यही सब वो महत्वपूर्ण बात है। अब जब समय के दौरान ऐसा होता है कि जगत एक, इन्हें सातवें जगत का प्रक्षेपण अथवा समूह ठंडा हो जाता है, जगत ए पोकल में चला जाता है और उसके ठीक नीचे का जगत जगत बी जगत ए की जगह लेता है, सी जगत बी की स्थिति में चला जाता है और सी के नीचे की दुनिया जगत उस स्थान को भर देता है जिस पर सी स्थित है। ये सब कैसे होता है? यही वो जो इवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड से, ये प्यारा अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे हम जीवात्मा की उत्क्रांति होती है पाषाण धातु वगैरह वगैरह, फिर हम जीवात्मा से परमात्मा शिवात्मा बनते हैं और हमारी यात्रा खत्म होती है, ठीक इसी तरह इस प्लैनेट्स ग्रहों की भी उत्क्रांति होके वो पनपते हैं, उनके इनहैबिटेशन होता है, आबादी होती है, ठंडे होके खत्म हो जाते हैं, बाजू हट जाते हैं। यही सब यात्रा इसमें बताई है। इसके पहले एक बार आकृति को आप वापस ध्यान से देखिए और समझ लीजिए। यहाँ पर आपने डी ई एफ जी एच आई जैसे देखा, इसी प्रकार से ऊपर जो बिंदु है वो बिंदु को लग के जो फिगर्स दिखाई गई है, श्वेतांबरी दिखाएगी 1 3 5, एक यहाँ है इस कोने में, दो उस कोने में है, तीन इस कोने में है, तो चार उस कोने में है। बाबा ने देखो किस तरह से सुंदर इसको बताया है, उसके ब्यूटी देखो, सुंदरता देखो। पांच इसको लग के है, ये सीधी रेखा को सातवें जगत को, और छह उसके बगल में, और पांच और छह के बीच में सातवां जगत है। और यही कारण है कि सातवें जगत में मनुष्य है तो छठवें में प्राणियों तक की आबादी है। क्यों? क्योंकि वो भी बिंदु को फिर इससे दूसरा नजदीकी करीबी जगत हो जाता है। इसी प्रकार आकृति में नीचे पूरा स्पष्टीकरण दिया है, पहले उसको पढ़ के एक बार समझ लीजिए। ए बी एंड सी, ये तीनों जो है ये है, थ्री प्लैनेट्स कंस्पायरिंग द सेवेंथ वर्ल्ड, सातवा जगत जो है ये तीनों जगतों का मिलके सातवा जगत बना है। ए बी और सी का जथा है, एक समूह में वो आए हैं। और डी से लेके जी तक जो ये रेखाएं है, छतरा छाते का काड़े जैसे ये जो है, एक अम्ब्रेला का स्टिक्स जैसा जो ये दिखाई दे रहा है डी से लेके जे तक, ये क्या है? द सेवन रेंजेस ऑफ प्लैनेट्स, जो ग्रहों की ये छह श्रृंखलाएं हैं। इसमें भी कई सारे ग्रह हैं इसके जैसे ही। अब के से लेके एल तक क्या है? देखो के और एल आपको दिखाई दे रहा है, जो सातवां जगत सीधी रेखा है इसके अगल बगल में दो खाली जगह है, ये सातवां सीधी लाइन है। सातवें के लेफ्ट में पांच है, राइट में छह है, और ये दोनों के बीच में खाली जगह है। वो जगह क्या है?
एक मिनट हाँ इसको थोड़ा हाँ, ये खाली जगह जो है उस खाली जगह को दिखाया है के और एल। ये के और एल मतलब खाली जगह है, पोकड़ है, हॉलोनेस है, स्पेस है, जो कि उत्पत्ति के समय में उसके साथ ही, सृष्टि के साथ ही उसका भी निर्माण हुआ, हमने देखा था। ये परमात्मा में ऑलरेडी सुप्त अवस्था में खालीपन, खोखलापन, हॉलोनेस, ये परमात्मा में भी होता है। तो वो निर्मिति के साथ वो भी बाहर आ जाता है, वो बन जाता है स्पेस। सो के और एल क्या है? स्पेस है। अब यहाँ पर ए दिखाया है, देख लीजिए ऊपर ए और एम लिखा है, के ठीक ऊपर बहुत सुंदर श्वेतांबरी दिखा रही है, एक छोटा हाथ के माध्यम से वो दिखा रही है। अब जहां पर के है उसके ठीक ऊपर एम दिखाई देगा आपको। हाँ, ये रहा चंद्रमा, ये आकाश का चंद्रमा है। इसका समझना जरूरी है तभी हम आगे की उत्क्रांति की प्रक्रिया को समझेंगे। अब ये खाली स्पेस में ये एम बिंदु है, चंद्रमा है। अब ये जो ऊपर 1 से 6 है, ये उल्टे छाती की जो काड़िया है, इसमें 1 से 6 जो है, ये क्या है? द वर्ल्ड्स विद इन प्लेनेटरी रेंजेस इनहैबिटेटेड बाय सब ह्यूमन फॉर्म्स, दिस इज इंपॉर्टेंट, नॉट ह्यूमन, जो मनुष्य नहीं है, उसके नीचे के जो रूप है, योनिया है, ऐसे आबादी वाले ये सारे ग्रह है 1 से लेके 6 तक। सातवां नहीं, सातवें में मनुष्य की आबादी है, इसीलिए वो 18,000 वगैरह छोड़ दीजिए, क्योंकि वो हैबिटेशन नॉट ह्यूमन वर्ल्ड वहां है क्या? मुझे डाउट है, कहीं तो ह्यूमन लिखा है, ओरिजिनल गॉड स्पीक्स में ह्यूमन वर्ड वहां नहीं है। चलो वो डिबेट का पॉइंट हम छोड़ देते हैं, हम इसको समझ लेते हैं। 1 से 6 जो है उसमें सब ह्यूमन, जो मनुष्य नहीं है, ऐसी आबादी उसमें है, पत्थर है, प्राणी है, मनुष्य छोड़ के सब कुछ है। और जो सातवां है, द सेवेंथ वर्ड विद थ्री सब वर्ड्स, विद द थ्री सब वर्ड्स, जो सातवां जगत है उसके तीनों जगतों के साथ, ये सातवां जगत है इनहैबिटेड बाय ह्यूमंस। इसका सीधा अर्थ है ये सातवें जगत में तीनों जगतों के साथ ही बाबा ने यहाँ लिखा है, उसके नीचे का जिक्र यहाँ पर नहीं है, हम भी उतना ही सोचेंगे। ये ABC तीनों में मनुष्य बस्ती है, आबादी मनुष्यों की है। अब यहाँ बाबा क्या प्रक्रिया समझा रहे हैं, कई सालों में कुछ समय के पश्चात क्या होता है कि ये सातवां जो रेंज है, जगत है, इसमें जो ए जगत है सबसे ऊपर, जैसा हम आज उस ये जगत का नाम पृथ्वी है, इसके पहले के जमाने में कुछ और होगा, इसके आगे के जमाने में कुछ और होगा, आज इसका नाम पृथ्वी है, जहां हम, बाबा ने कहा जहां हम रहते हैं। तो ये जगत जो है, पृथ्वी जो है, कुछ समय पश्चात ये ठंडा हो जाएगा, कूल्स डाउन, ये ठंडा हो जाएगा और बाजू हट जाएगा। अब बाजू में हमने देखा क्या है? स्पेस है, खालीपन है, आकाश है, के दिखाया खाली, वहां क्या है? मून है। मतलब ये पृथ्वी या ये जगत ठंडा होके उसका चंद्रमा बनेगा। अब इस चंद्रमा को प्रकाश कहाँ से मिलेगा? इस पृथ्वी एक ही जो छाया जो सूरज बन के रह गई है, उसी सूरज से इस चंद्रमा को प्रकाश मिलेगा। हम साइंस में सीखे हैं कि चंद्रमा अपने आप प्रकाशित नहीं है, वो सूरज से प्रकाश लेता है। सूरज क्या है? एक ही छाया है, हमने देखा। और जिसे प्रकाश, वो जो कहाँ से पाता है? प्रकाश गोल से पाता है। तो जो सूरज प्रकाश गोल से प्रकाश पाता है, जो कि एक ही पृथ्वी की छाया है, वही सूरज जब ये ठंडा होके चंद्रमा बन जाएगा, तब भी वो चंद्रमा को प्रकाशित करता जाएगा उसका सूरज। ठीक है, अब जैसे ये हट जाएगा, ठंडा होके स्पेस में उसका चंद्रमा बनेगा, नीचे जो बी जगत है वो बी जगत ये जगत का जगह ले लेगा, क्योंकि एक ही जगह खाली हो गई,
जैसे ये हट जाता है, ये बी जगत ऊपर आके ए की जगह लेगा, बी के ठीक नीचे सी जगह है, सी जगत है, ये सी जगत बी जगत हट गया ऊपर आ गया, सी जगत ऊपर आके बी की जगह लेगा, अब सी की जगह खाली हो गई, तो ठीक ये सातवां जो जी पॉइंट है, सेवेंथ रेंज ऑफ वर्ड्स है, इसी के सी के नीचे और नीचे भी ग्रह होंगे डी ई जो भी है, तो सी के नीचे का ग्रह ऊपर आके वो सी की जगह ले लेगा। इस प्रकार से कई दिनों पश्चात वापस ये ठंडा हो जाएगा, उसका चंद्रमा बनेगा। इस प्रकार से ये जो श्रृंखला है, ये जो उत्क्रांति की प्रक्रिया, ये जगतों में ग्रहों में जो उत्क्रांति की प्रक्रिया है वो चलती रहती चलती रहती चलती रहती, लेकिन करोड़ों अरबों साल, कई सारे काल वर्ष, कई सारे युग उसमें बीत जाते हैं, ऐसे नहीं कि दो चार दिन की बात होती है। अब इस दौरान क्या होता है, जिस जीवात्मा जैसे हम है, हो सकता है इसके पहले हम बी में होंगे या सी में होंगे, और उसके भी पहले ये जो छह जगत है जिसमें भी आबादी है, सब ह्यूमन की आबादी है, जैसे पत्थर है, पानी है, वायु है, पशु है, पंछी है, और किसी जगत में होंगे, और ऐसी लंबी यात्रा करके हम अब ये में आ गए, तो देखो इस जन्म का महत्व इससे आप समझ लीजिए, कितनी लंबी यात्रा करके हम सब लोग यहाँ आए हैं। हम जो उत्पत्ति बिंदु है, ईश्वर का स्थान है, ओम बिंदु है, उसको निकट जो स्थान है उसमें हम लंबी यात्रा करके आए हैं। क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, हमें ईश्वर को पाना है, हमें अपने स्वस्वरूप को जानना है। ये देह उसके लिए एक माध्यम है, एक उपकरण है, एक साधन है, उसका उपयोग उसी लिए होना चाहिए। केवल इस बात का अहमियत, लास्ट टाइम किसी ने पूछा का ये सब पढ़ने का क्या मतलब है, उस जान लीजिए कि समझ लीजिए, एक बार आग बंद करके दो मिनट इस सब यात्रा को विजुलाइज करिए कि मैं इतनी दूर से बड़ी लंबी से आया हूँ बड़ी लंबी यात्रा करके कट करके यहाँ किस लिए आया हूँ। उस उद्देश्य से हमें भटकना कतई नहीं चाहिए, हम सब बाबा की पनाह में है, मतलब हम उस मार्ग पर है, इसका कभी भी हमें भूल नहीं जाना चाहिए। जब कभी हमें इस संसार के प्रति ज्यादा प्रेम उभर आएगा, इसमें फंसने की संभावना उत्पन्न होती है, जब कभी निर्णय लेना है तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि ये देह केवल एक साधन है, इंस्ट्रूमेंट है, और हम इस ये जगत में इतनी लंबी दूरी से अपनी यात्रा करके आए हैं ईश्वर की प्राप्ति के लिए, तो हमें क्या करना चाहिए, उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना चाहिए। तो डेफिनेटली कभी पहले हम बी में होंगे, कभी सी में होंगे, अब हम ए में हैं, हम उच्चतम स्थान में आए हैं, और हम ऊंचे से ऊंचे के पास में भी है, आगे चलते हैं। हाँ सॉरी गांगड़े सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने बहुत अच्छी तरह से बताया, तो ये जो सेवंथ वर्ल्ड के ए बी और सी है, तो ए में तो मनुष्य, और जब ये ए जगत की अवस्था यानी उसका कूल ऑफ ठंडा हो जाता है और ये हैबिटेशन के रहने के लायक नहीं हो जाता है, तो बराबर पोकल जो स्पेस बताइए के और एल, खालीपन, हॉलोनेस या पोकल जगह, यहाँ चला जाता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ बाबा ने एम जो चंद्र बताया ऑलरेडी उस स्टेज से वो पास होकर ऑलरेडी यहाँ है, और ए भी जब रहने लायक नहीं होगा तो ए की जगह भी चला जाएगा और ए पोकल जगह में चला आएगा, और जो बी की जगह वो सी लेगा। मगर ए बी सी ये जो है ये जगत है और ये इनका इनका पूरा ग्रुप है ए बी सी का, और ये जो बाद में बात बाबा ने बताया है इधर और जो प्लैनेटरी रेंजेस करके बताया, ग्रह मालिका बताया, तो मेरे ख्याल से थोड़ा यहाँ बाबा ने बताया कि जो सिक्स वर्ल्ड है यानी ए वहां से हट जाने के बाद में, पोकल जगह जाने के बाद में उसकी जगह बी चला जाएगा,
और बी के जगह सी चला जाएगा, और सी की जगह लेने के लिए जो सिक्स्थ वर्ल्ड है जहां एनिमल तक डेवलपमेंट हुई है, स्टोन, विंड, मेटल, वाटर, वेजिटेशन, एनिमल्स, तो एनिमल्स तक ये सिक्स्थ वर्ल्ड में डेवलपमेंट हुई है, तो वो जो सिक्स्थ वर्ल्ड है सिक्स्थ करके जो बताया वो उस सी की जगह लेगा, थोड़ा इस तरह से इंटरप्रिटेशन मुझे लगा, तो थोड़ा आप देख लीजिएगा प्लीज जय बाबा। हाँ नहीं जय बाबा सर, ऐसा नहीं है, तो इसके पहले भी लेक्चर में बाबा ने वो क्लियर किया कि सी के नीचे जो कोई होगा वो सी की जगह लेगा ऐसा बताया है, तो यही इंटरप्रिटेशन वहां पर था। चलो आगे देखते हैं, शायद आगे बाबा ने इस मुद्दे को क्लियर किया होगा, क्योंकि बाबा ने ये पैराग्राफ यहाँ एंड होता है, हाउ डज ऑल दिस ट्रांसपायर, कैसे होता है, आगे देखते हैं हम। सर गोयल सर, जय बाबा। जय बाबा। लेट अस रिव्यू द सिचुएशन वंस अगेन। इन वर्ल्ड ए ऑफ द सेवंथ रेंज इननुमरेबल इवोल्यूशंस टेक्स प्लेस from the beginning in atom form to culmination of the evolution as the human. The same evolutions occur in B also as in C. Now all three of these subworlds belong to the seventh greater world. So when these three shift in their evolutionary sequence, what would take place? What would take the place of the last of these, C? In the seventh group, naturally, the sixth world would perform this function marked H in the figure 23. In the sixth world, of course, evolution has advanced from atom to animal form. Thank you, sir. बिल्कुल आप सही हैं गांगड़े सर, जैसा आपने कहा ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर बाबा ने स्पष्टीकरण दिया है। आपका मुद्दा यही था कि जो सी वर्ड हट जाता है तो वहां पर छठवा जो जगत है जो या एच किया है उसको, तो इसमें से यहाँ पर जहाँ पर कि केवल पशु योनि तक प्रगति हो गई है, तो बाबा कहते आइए एक बार फिर स्थिति की समीक्षा करें। दुनिया ए सातवीं श्रेणी में अणु रूप में शुरुआत से लेकर मानव के रूप में विकसित की परिणति तक असंख्य विकास या उत्क्रांति होती है। ये विकास सी की तरह बी में भी होते हैं। अब ये तीनों उपसातवी बड़ी दुनिया जगत से संबंधित है, जहां पर बाबा ये कहना चाह रहे हैं कि ये हो बी हो सी हो, इनमें केवल मनुष्य नहीं है, तो इनमें भी अणु से लेके उत्क्रांति होती है। मतलब यहाँ पर भी ऐसे जीवात्मा है जिनकी शुरुआत ही सपोज ए जगत से हुई है, अणु से हुई है, क्योंकि अणु रूप से हुए हैं, ये भी हो सकता है। जैसे बाकी जगत में कई जगत है वहां केवल अणु है, कई जगत है वहां केवल वायु है, कई जगत है वहां पर केवल अणु, वायु और हवा है, ऐसे एडिशन एडिशन होती जा रही है इस सब में। तो ठीक इसी प्रकार से ए जगत में, बी जगत में और सी जगत में, तीनों में भी अणु से लेके मनुष्य तक सारी योनियों का विकास वहां या उत्क्रांति होती है। मतलब जीवात्मा वहां पर अणु से लेके अणु, वायु, हवा, पानी, पत्थर, धातु, कीटक, पशु, जैसे कि हम दुनिया में देखते हैं सब कुछ है हमारी दुनिया में, तो ऐसे अणु से लेके मनुष्य योनि तक सब कुछ इस दुनिया में ए, बी और सी तीनों में भी पाया जाता है। अब यहाँ पर ये सबकी उत्क्रांति होती है, विकास होता है। ये जो विकास की उत्क्रांति की प्रक्रिया है, तो यहाँ पर जैसे अभी गांगड़े सर ने ठीक सवाल किया था कि सी की जगह कौन लेगा, इसके पहले लेक्चर में बाबा ने दिया था कि सी के नीचे का ग्रह उसकी जगह ले लिया लेगा, पर यहाँ पर बाबा ने स्पष्ट किया है कि इसके बाजू का जो छठवा जगत है एच, वहां जहां पर केवल पशु योनि तक विकास हुआ है, तो ऐसा कोई जगत यहाँ पर उसकी जगह ले लेगा शायद, और फिर वहां पर पशु योनि के साथ ही मनुष्य योनि की भी आबादी वहां होगी, ऐसा ही ये पैराग्राफ कहता है। इन द सिक्स्थ वर्ल्ड ऑफ कोर्स इवोल्यूशन हैज एडवांस्ड फ्रॉम एटम टू एनिमल, वहां पर
अणु से लेके पशु योनि तक ही विकास हुआ है, लेकिन वहां से कोई जगत सी की जगह जब लेगा तब वहां मनुष्य का भी विकास होगा शायद। अरुण सर आप हैंड रेस किए थे, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक छोटा सा करेक्शन था कि हम इसको एटम को परमाणु बोलेंगे, और क्योंकि अणु का मतलब इंग्लिश में वो मॉलिक्यूल है, ये मैंने चेक किया। ओके परमाणु एटम, ठीक है सर। गांगड़े सर जय बाबा। जय बाबा, आपने एकदम सही और करेक्टली कहा कि अणु से परमाणु से लेकर ह्यूमन फॉर्म तक सब जो पूरी डेवलपमेंट है वो इस ए बी सी सेवंथ में होती है, और जो सिक्स का जो है जैसी ए चला गया तो बी आ गया, बी के जगह फिर सी चला गया, और सी की जगह जो बाबा ने भी बताया कि सेवंथ सिक्स वर्ल्ड का जो है जिसमें अप टू एनिमल्स प्राणी जगत तो जिसकी डेवलपमेंट हुई वो वहां आ जाएगा, और जो और उस ग्रह पे फिर अणु परमाणु से लेकर ह्यूमन बीइंग तक यानी पूरे जो गॉडलाइजेशन जो है वहां तक उसको एडवांसमेंट इस सेवंथ वर्ल्ड में मिलती है, ऑन द पर्टिकुलरली जो नियरेस्ट हो जाएगा जो ए की जगह आएगा आएगा उस वर्ल्ड में। ठीक है, ओके ठीक है, ओके थैंक यू सर। सर गोयल सर, एंड व्हाट देन फिल्स द पोजीशन ऑफ द सिक्स्थ वर्ल्ड व्हिच हैज शिफ्टेड एंड एडवांस्ड इनटू द सेवंथ ग्रुप, दैट वी विल डिस्कस इन ड्यू कोर्स। नाउ टू डायलेट अपॉन द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री सब वर्ल्ड्स ए बी एंड सी। In world C, the inhabitants are far more advanced than they are on B and A. But no love, no feelings arise there. Rather, intelligence, the culmination of instinct, has developed to the highest degree. The people of C do not even talk, for they are so advanced intellectually that they can speak with their minds directly and understand each other without using their mouths at all. Their intelligence is so great as to enable them to express their thoughts to each other directly without recourse to gross means. But their form is still the human form. Remember that. Superb. बाबा आपको विश्व की यात्रा करा रहे बैठी जगह, जस्ट विजुलाइज, इतना सुंदर दिया है। अब यहाँ आगे बाबा कहते हैं ये छठवां जगत में से जब कोई ग्रह सी की जगह लेगा, जो शिफ्ट हो गया अपनी जगह से हटके ऊपर उठ गया है, जिसकी प्रगति हो गई है सातवें ग्रुप तक के लिए, इसका आगे क्या होता है, उसकी जगह कौन लेता है? तो यहाँ बाबा बोलते हैं कि हम उसको बाद में देखेंगे। तो आगे इसके बारे में भी पहले बाबा ने बोला था ये बाद में देखेंगे, तो आज इसका जिक्र यहाँ पर पूरा हो रहा है। इसी प्रकार आगे ये छठवें जगत का क्या होता है ये बाबा आगे कहीं किसी लेक्चर में समझाएंगे, हम तब सुनेंगे। फिलहाल अब बाबा कहते हैं ये जो सब वर्ड्स है उपग्रह उप जगत जो है सातवीं श्रृंखला में ए बी और सी, इस पे हम ध्यान दें, और इनमें क्या फर्क है आपस में, ए जगत में बी जगत में सी जगत में क्या फर्क है, इस पर हम ध्यान देते हैं, ऐसा बाबा कहते हैं। अब इसको एज इट इज पहले जगत सी के निवासी बी और ए की तुलना में कहीं अधिक उन्नत है। जो सी जगत में जो कोई भी जीवात्मा है वो बहुत ज्यादा प्रगत है, लेकिन वहां कोई प्यार कोई भावना पैदा नहीं होती है, वहां हार्ट नहीं है, जीरो है। आगे बाबा ने एक आकृति के माध्यम से इसको बहुत सुंदर रीति समझाया है कि जो ये सी जगत है में वहां 100% ब्रेन है, बुद्धि है केवल, वहां भावनाएं नहीं है, प्रेम नहीं है, हृदय नहीं है, वहां वो लोग
बोलने के लिए, अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए मुख का भी उपयोग नहीं करते हैं। आपस में एक दूसरे के ब्रेन से उनको संप्रेरित किया जाता है, उसको एक्सचेंज किया जाता है, उनको मुख से उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब कितना ब्रेन एडवांस होगा वो तीसरी दुनिया सी का, लेकिन इस कुछ काम काम का नहीं है, क्योंकि अध्यात्म में बुद्धि का कोई काम नहीं है। इसीलिए एक ही अहमियत है, क्योंकि ये जगत में बुद्धि और हृदय दोनों बराबर है, 50% 50% है, 50% 50%। और आगे जाके जब ये बुद्धि बिल्कुल हट जाएगी और 100% प्रेम होगा, जो कि ये किसी दुनिया में नहीं है, ये छठवें जगत में नहीं, सातवें जगत में, ये पूरी श्रृंखला में है, विश्व के कहीं भी देखो ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसा कोई ग्रह नहीं है कि जहाँ पर 100% प्रेम है, भावना है। इसीलिए बाबा हमको वो उत्पन्न करके बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, यही हमारा काम है। हम ये पर है, हमारे पास 50% प्रेम है, हृदय है, भावनाएं है, इसको बढ़ा के हमें 100% करना है, इस बुद्धि को 0 कर देना है, तब जाके हमें ईश्वर मिलेगा। खैर आगे देखते हैं, यहाँ पर थोड़े भटक गए हम। बल्कि वृत्ति की पराकाष्ठा, जो शीघ्र है, वृत्ति की पराकाष्ठा बुद्धि उच्चतम स्तर तक विकसित हुई है। बुद्धि इतनी विकसित हुई है शीघ्र में, सी नाम के लोग बात भी नहीं करते। देखो बोलना भी, हमें हमारी भावनाएं व्यक्त करने के लिए बोलना पड़ता है, तब वो आगे वाले को समझती है, लेकिन वहां बोलना भी नहीं कर पड़ता है, क्योंकि वे बौद्धिक रूप से इतने उन्नत हो गए है, होते हैं कि वे सीधे अपने दिमाग से बात कर सकते हैं, ब्रेन टू ब्रेन बात होती है, जैसे कंप्यूटर टू कंप्यूटर आप फटक से 2 मिनट में फाइल ट्रांसफर करते रहते हैं ना, या व्हाट्सअप मैसेज देखिए आप क्या करते हैं, वहां पर एक व्हाट्सअप आपके मोबाइल से दूसरे को फटाफट मैसेज आप फॉरवर्ड कर देते हैं, है कि नहीं। तो ठीक उसी प्रकार सी जगत में मुख से बात करने की जरूरत नहीं पड़ती, ब्रेन टू ब्रेन वहां उनका कम्युनिकेशन होता है, और अपने मुंह का उपयोग किए बिना एक दूसरे को समझ सकते हैं। उनकी बुद्धि इतनी महान है कि वे स्थूल साधनों का सहारा लिए बिना सीधे एक दूसरे के सामने अपने विचार व्यक्त करने में सक्षम है। कोई स्थूल साधन उनको जरूरत नहीं, फोन नहीं, बोलना नहीं, मोबाइल नहीं, लैपटॉप नहीं, वे ऐसे ही एक दूसरे बुद्धि से दूसरी बुद्धि में विचार प्रसारित होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। ये इसका और एक है कि जो बहुत एडवांस्ड प्लेन के योगी, महायोगी, पीर वली है, उसमें भी इस प्रकार से, जैसे हम देखते हैं बाबा के लिटरेचर में कई बार कि कोई उनका एजेंट मिला या कोई मस्त है तो बिना बोले केवल देख लिया, एक दूसरे से बात हो गई। जैसे बाबा जान बाबा को मिलने आई, वो उस पार वहां पर खड़ी है रेलवे ट्रैक से, बाबा इस पार है, कम्युनिकेशन हो गया बिना बोले बिना कुछ कहे। और फिर दूसरे दिन बाबा ने मेहर आश्रम यहाँ से बंद करके दूसरी जगह उसको टोका में लेके गए, उसका स्थानांतरण किया, क्योंकि बोले बाबा जान आके गए तो अभी इसको स्थानांतर करना पड़ेगा। तो ये एक उदाहरण के तौर पर दिमाग में आया कि वहां पर मुख से बात नहीं होती है, तो यहाँ सी ग्रह में भी बुद्धि इतनी विकसित होती है कि उनको मुख से बात करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन उनका रूप अभी भी मानव रूप ही है। इसको बाबा कहते, याद रखे कि इस प्रकार के सी ग्रह के जीवात्मा है, फिर भी उनका रूप जो है वो भी मानव ही है। थोड़ा सा मैं गांगड़े सर की मदद लेती हूँ, मेरा कैपेसिटी कम है आजकल। आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। ये जो सी जगत है, इसके बारे में बाबा ने कहा है कि इसमें बहुत प्रगत आत्मे हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, जिनकी बौद्धिक विकास एकदम उच्चतम एंड 100% हुआ है, और जहां प्रेम भावनाएं, फीलिंग्स, लव, ये बाबा ने आगे बताया कि एकदम 0% है, और यहाँ तक कि इनकी बौद्धिक विकास इतना हाईएस्ट डिग्री, इतने उच्चतम, इतने एडवांस है ये लोग कि जब बोलने के लिए इनको कोई मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है,
या कोई स्थूल साधन का कोई उपयोग नहीं कर सकते। जब आपस में बात करते तो डायरेक्टली माइंड से बात कर सकते हैं एक के दूसरे से, जो कम्युनिकेशन है थ्रू माइंड होता है इनका, और इनको कोई ऐसे प्रत्यक्ष जैसे हम आपस में बातचीत करते, इस तरह से बातचीत करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। इनका इतना हाईली एडवांस हाईली डेवलप होता है कि जो बुद्धि है इंटेलिजेंस है 100% होता है, और बुद्धि और प्रेम सॉरी और प्रेम और भावना जो है ये एकदम इसमें 0% होता है। इसलिए बाबा ने मगर वो है तो मानव ही है, मगर विथ 100% डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। जय मेरे बाबा। ऐसा हुआ सर। हाँ, करेक्ट। इनका होते आप ले लिया करो। थैंक यू। When world C rises to occupy the position of world B, this intelligence, which is really the maturation of instinct, diminishes, and concurrently love and feelings make their appearance. And in A, intelligence or instinct diminishes further, and love and feelings increase even more. थैंक यू सर। जब जगत सी जगत बी की स्थिति पर कब्जा करने के लिए आते हैं, मतलब सी जगत वाले जब बी जगत में उनकी प्रगति हो जाती है, उत्क्रांति हो जाती है, विकास हो जाता है, तब यह बुद्धि क्या है? यहाँ पर समझा है जो वास्तव में सहज प्रवृत्ति की परिपक्वता है। अब ये हमने कहाँ देखा था? इंस्टिंक्ट, नेचुरल इंस्टिंक्ट और बुद्धि, भावना, ये सब हमने जो उत्क्रांति की प्रक्रिया हम देखते हैं कि पशु योनि से लेके पशु यो सॉरी पाषाण योनि से लेके पशु योनि तक जब देखते हैं, तो कैसे कैसे धीरे वनस्पति योनि से ये सहज प्रवृत्ति धीरे धीरे विकसित होती है, और जो पशु योनि में पूरी विकसित होती है सहज प्रवृत्ति, इंस्टिंक्ट, नेचुरल इंस्टिंक्ट, और बाद में मनुष्य योनि में वो बुद्धि में परावर्तित होती है। ऐसा बाबा ने समझाया है गॉड स्पीक्स में। आपको यहाँ पर उसका रेफरेंस याद होगा। तो जैसे ये बुद्धि क्या है कि जो सहज प्रवृत्ति की पूरी परिपक्वता, पूरी विकास, मतलब बुद्धि है, ये जैसे सी जगत भी बन जाता है, उसमें कम हो जाती है, उसके साथ ही प्यार और भावनाएं प्रकट होती हैं जो कि पहले सी में नहीं थे, जीरो थी। और ए जगत में बुद्धि या सहज प्रवृत्ति जो है ये और भी कम हो जाती है, और वहां पर उसकी जगह प्रेम भावनाएं ले लेकर वो अधिक पड़ जाती है। आगे सर। The table on page 196 will give you a clearer idea of the progress or decline of intelligence, love and feelings in these three worlds A, B and C. Let us take the figure of the rupee comprised 16 anas, which can be divided proportionately on in table 4. ओके, थैंक यू सर। तो बाबा ये कहते हैं, ये होने के पश्चात हम एक साथ गांगड़े सर जी को बोलेंगे इसके ऊपर बोलने को। जो ये तालिका आप सामने श्वेतांबरी ने ये स्क्रीन प्रेजेंटेशन किया है, ये खूबसूरत सा, एक बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। मेरे जमाने के जो लोग हैं उनको पता होगा, पहले हम लोग क्या है, ये आनास में होता था, 2 आना, 4 आना, 8 आना, आपको वो सिनेमा का गाना भी दे दो मेरा 5 रुपया 12 आना, वो भी याद होगा। तो उस समय में रुपए के बदला ये 4 आना, 8 आना, ऐसा उस समय में ये गिनती होती थी। तो यहाँ इस चित्र में बाबा ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि देखो, आप सबसे पहले सी जगत देखिए। वहाँ यहाँ पर आपको श्वेतांबरी दिखाएगी। सी जगत में आप देखो, यहाँ ये लेफ्ट में जो एक बनाया है मार्जिन जैसा, उसमें दिया है जगत सी बी और ए दिया है, और दूसरा जो कॉलम है वो है इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता कितनी है, सहज प्रवृत्ति का विकास कितना है, और तीसरा है लव एंड फीलिंग्स।
भावनाएं और प्रेम या हृदय हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पहला ही जो है सी जगत, जो कि हमारे सात जगत के समूह में सबसे नीचे है, वहां पर क्या है, इंटेलिजेंस जो है बुद्धिमत्ता 100% है, 100% पूरी बुद्धिमत्ता। साल 16 आना, पूरा 16 आना मतलब बंदा रुपया 1 रुपया समझो, तो ये पूरा 16 आना यहाँ पर बुद्धिमत्ता है, पर वहां पर फीलिंग्स प्रेम भावनाएं 0 है, कुछ भी नहीं, बड़ा गोला दिखाया है, 0 है। तो ये किसी काम का नहीं अध्यात्म के विकास के हिसाब से। अब चलते हैं बी जगत की ओर, नीचे दिया है बी जगत, यहाँ पर बुद्धिमत्ता 12 आना है, ठीक है, 16 में से कितना रह गया, 12 रह गया बुद्धिमत्ता, और जो 4 आना है, 16 का मिलके 1 पूरा समझो रुपया होता है, तो ये 4 आना जो है 25%, 25 पैसा, 4 आना मतलब 25 पैसा होता था, तो ये 25 पैसा या 25% यहाँ पर या बुद्धि की जगह पर प्रेम भावना हृदय इनका विकास होता है, और जो इंटेलिजेंस है बुद्धिमत्ता है वो कम हो जाती है 25% से, 4 आने से बुद्धिमत्ता घट के वो केवल 12 आना रहती है या 75 पैसा रहती है, या 75% बुद्धिमत्ता है और 25% यहाँ पर प्रेम निर्माण हो गया है। अब आगे चलते हैं ये ग्रह जो कि उत्पत्ति बिंदु ओम बिंदु को एकदम सट के है, पास में है, नजदीक है, मतलब निर्माता या सृष्टि निर्माता या ईश्वर के बहुत पास में है, ईश्वर के बहुत पास में होने के कारण यहाँ पर बुद्धि और प्रेम का साथ साथ एक जैसा विकास हुआ है, दोनों 8-8 आना है, 50% है, 50 पैसा है, बुद्धि भी 50 पैसा है, प्रेम भी 50 पैसा है, या 50% या 50% या 8 आना या 8 आना, 8 आना मतलब 50 पैसा, तो यहाँ पर बुद्धि भी है, 8 आना है, 50% बुद्धि है, दोनों इक्वल है, बुद्धि और प्रेम या भावनाएं दोनों एक जैसे है, समतल है, दोनों एक जैसा है, 8-8 आना है, 50-50% है। और कई जगह बाबा ने यह भी कहा है कि बुद्धि और हृदय इनका समतोल होना चाहिए, आध्यात्मिक विकास के लिए बुद्धि और हृदय इसका समतोल होना चाहिए। हमने ये देखा है डिस्कोर्सेस में, एवरीथिंग एंड नथिंग में, वहां पर बाबा ने कहा है कि इसका विकास कैसा होना चाहिए, तो जो निर्णय हृदय लेता है उसके आड़े बुद्धि ने आना नहीं, इंटेलिजेंस शुड नॉट कम इन बिटवीन व्हाट हार्ट हैज डिसाइडेड, जो निर्णय हृदय लेगा उसके आड़े बुद्धि आनी नहीं चाहिए। बुद्धि का काम क्या है, हृदय ने जो निर्णय लिया उसको अमल कैसा करने का, उसका अमल इम्प्लीमेंटेशन कैसा करने का, ये सोच के उसका इम्प्लीमेंटेशन करने का काम बुद्धि का है, ना ही उसके आड़े आने का है। दैट इज कॉल्ड द गोइंग हैंड इन हैंड, जहां पर बुद्धि और हृदय एक साथ हाथ में हाथ डाल के जा रहे, दो दोस्तों जैसा, कोई किसी के ऊपर हावी नहीं हो रहा है। ये बहुत अच्छा बाबा ने वहां समझाया, इस तरह से जब होगा तब आध्यात्मिक। इसका उदाहरण देना है, समझो किसी ने तय किया कि मुझे बाबा का प्रोग्राम करना है, ये निर्णय उसके हृदय ने लिया, अब वहां लोग आएंगे, क्या बारिश है, क्या कितना खर्चा आएगा, ये करके बुद्धि ने उसके आड़े नहीं आने का, परंतु अब बाबा का प्रोग्राम करना है तो करना है, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा करना है, जय बाबा, उसकी अरेंजमेंट कैसी करनी है, ये निर्णय लेना बुद्धि का काम है उसके ऊपर। साइरस जी मोस्ट वेलकम। ये आज की तारीख में बाबा प्रेमी जगत में सबसे अच्छी अभ्यास, बाबा के विषयों का सबसे अच्छी समझ मुझे नहीं लगता है कि साइरस जी से और अधिक बढ़कर किसी की है, तो हम उनका भी मार्गदर्शन लेंगे, चाहे ये इसी में बात करें, ये चाहे आगे थोड़ा आप है तो हम, आप अभी है ना साइरस जी? हाँ जी, हाँ जी, I am there. Hello. You will be there?
आज फॉर फाइव टेन मिनट्स मैं हूँ, पर शायद मैं 6:30 बजे जाऊंगा, अच्छा शायद 6:30 बजे निकल। नहीं नहीं, बिफोर दैट वील टेक यू, थैंक यू, जस्ट वील कंप्लीट दिस पैराग्राफ्स। ओके ओके, थैंक यू, और फिर आपका भी सुनेंगे इस पर। नहीं सुनना, लेकिन मैंने पढ़ी नहीं है किताब, ये पढ़ी नहीं है। ठीक है, आप शुरू करिए, आप शुरू करिए। जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा। हाँ तो हाथ है, देन वर्ड्स ही राइजेस टू ऑक्यूपाई द। अच्छा तो ये जो है बी पेज 196 विल टेक द फिगर ऑफ रुपीस। ये जो आकृति टेबल 4 हम समझ रहे थे। सर गांगड़े सर, हाँ सांगो का, हेलो, जय बाबा। हो हो, तुमचं कुठपासून राहिलंय? ओके 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 ओके, हाँ इसमें जो है वर्ल्ड सी जो है, इसमें एबीसी में जो लास्ट वाला वर्ल्ड सी है, उसमें उसमें जो प्रगति हुई रहती है, बुद्धिमत्ता 100% ऑलरेडी टेबल में बताया, और जो है प्रेम भावना, जो है प्रेम भावना फीलिंग्स एंड लव 0%। मगर ये जब आगे जाके इसके वर्ल्ड सी जब वर्ल्ड बी की पोजीशन लेता है, उसकी प्रगति होती है। जब सी की बी की जगह लिया जाता है सी से, तो जब बी जगह पे पहुंचा तो नेचुरली उसकी जो प्रगति होती है और जो है उसके जो इंटेलिजेंस है, उसके जो इंस्टिंक्ट का मैच्योरिटी यानी जो परिपक्वता हो जाती है उसमें, तो उसमें इंस्टिंक्ट की जो परिपक्वता इंटेलिजेंस का है, तो और जैसे वो बी जगह पे जाता है तो उसकी जो प्रेम भावना जो है ये बढ़ जाती है, तो वो 25% हो जाती है और बुद्धिमत्ता 75% हो जाती है। जैसे ही वो और बी जो है वहां से ए जगह लेता है, ए जगत की जगह लेता है, तो उसमें जो जो ह्यूमन बीइंग्स है उनकी जो प्रगति है 50% हार्ट एंड 50% हेड, यानी बुद्धिमत्ता 50% और प्रेम 50%, यानी हेड एंड हार्ट का बैलेंस जो बाबा ने बताया, क्योंकि इट इज अ नियरेस्ट, ए इज अ नियरेस्ट, क्योंकि और जो आगे आध्यात्मिकता में जो विकास होना है उसके लिए ये 50-50% हेड और हार्ट का बैलेंस ये आवश्यक है। तो जब वो नियरेस्ट ए स्टेज पे आ जाता है वही जगत, तो उसमें जो जितने भी ये प्रगत प्रगत लोग है, इस तरह से उनकी पोजीशन हो जाती है। जय मेरे बाबा, थैंक यू सर। सर गोयल सर, हम पेज 196 आगे पढ़ के 197 तक कंप्लीट करके फिर बीच के दो पेज ले लेंगे, क्योंकि ये उसमें लिंक बनी रहेगी। या आई मीन वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड द की टू फिगर 23, सो आई डोंट थिंक वी नीड टू रिपीट दैट की। राइट, दैट्स राइट। एंड देन बिलो द टेबल शैल आई गो फॉर दिस व्हाट हाफिज सेज? यस यस यस, ओके या, सो इट इज For this reason that Hafiz says, Janabe Ishq Ra Darga Basi Baltar Az Al Aklast Kasi Az Astan Busad Ke Jaan Dar Astin Darad. In English, the gate of truth is much higher than the gate of intellect. O you lover of truth, only one who can keep his very life in his sleeve can kiss that higher state. That's what Hafiz says. Thank you sir, सुंदर। यही कारण है हाफिज कहते हैं, जनाबे इश्क रा दरगाह बसी बरातर अज अक्लास्त, सत्य का द्वार बुद्धि के द्वार से बहुत ऊंचा है। बुद्धि का उस कुछ काम ही नहीं, एवरीथिंग एंड नथिंग में बाबा कहते हैं, ये दुनिया का नॉलेज ये नॉलेज ही नहीं है, और ये सब अज्ञान है, वो हटना पड़ेगा तो असली ज्ञान का प्राप्ति होगी। तो यहाँ हाफिज कहते कि सत्य का द्वार बुद्धि के द्वार से बहुत ऊंचा है, हे सत्य के प्रेमी, केवल वही जो अपनी जान हथेली पर रख सकता है, जो जान अपनी हथेली पर रख सकता है, वही केवल उस उच्च अवस्था को चूम सकता है। हाफिज ये बहुत सुंदर दिया है कि जान हथेली पर मतलब क्या है, कि स्वयं को मिटाना है, खुद ही को मिटाना है, अपने आप को, अहम,
मेरा मैं खुद ही को मिटाने से इसीलिए उसने अपनी जान हथेली पर रखा बोला है कि जान हथेली पर जो रखने को तैयार है, जैसे कि बाबा कहते कि मेरे प्रेम में आपको धूल जैसा डस्ट बनना है, तब जाके वो आपको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, सत्य की प्राप्ति हो सकती है। और आगे इसके बारे में बहुत सुंदर है, तो सर को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आगे पढ़े। गोयल सर 197। लव इज हायर देन इंटेलिजेंस, वन हु राइजेस बियॉन्ड इंटेलिजेंस विंस लव, एंड हु विंस लव रियलाइजेस गॉड। सो नाउ ऑल ऑफ यू हैव 8 आनास ऑफ इंटेलिजेंस एंड 8 आनास ऑफ लव। इफ 16 आनास ऑफ लव कम टू प्रिवेल इन यू, यू विल गेट गॉड। देयरफॉर योर लव मस्ट इंक्रीज टू द प्रोपोर्शन ऑफ 16 आनास कंप्लीट। हाउ इज दिस टू हैपन? एज वॉज एक्सप्लेन्ड यस्टरडे इन द डाइनिंग हॉल, लव मस्ट बी क्रिएटेड, इंडीड द फुल 16 आनास वर्थ, but this must be accomplished with a feeling of ease and pleasure, in a joyous mood cheerfully, and not in a grave and gloomy mood with swings of temperament. Remember the analogy of a baby's doll that was given to you yesterday, and remember too the insect, the moth, that goes mad in desire for the light of the flame to the point where eventually it is consumed and dies in it. सुंदर, थैंक यू सर। तो यहाँ प्रेम बुद्धि से भी ऊंचा है। जो बुद्धि से ऊपर उठ जाता है वह प्रेम जीत लेता है, और जो प्रेम जीत लेता है वह ईश्वर को प्राप्त कर लेता है 100%। 16 आना प्रेम चाहिए, इतना हमको ध्यान रखना है हमेशा। 8 आना, 4 आना कुछ काम का नहीं है, 16 आना। ये जो सी में दिख रहा है 16 आना पूरा बुद्धि, ये जाके ये पूरा लव में परावर्तित होना चाहिए 16 आना, तब जाके वो बुद्धि से ऊपर उठ जाएगा, तभी वो ईश्वर को प्राप्त कर जाता है। तो आप सबके पास 8 आने बुद्धि, बाबा आगे कह रहे हैं, तो अब आप सबके पास 8 आने बुद्धि और 8 आने प्यार है। अगर आपके अंदर 16 आने प्रेम आ जाए, क्या 16 आने प्रेम यदि आपके पास आ जाए तो आपको भगवान मिल जाएंगे। ऐसा कोई ग्रह नहीं है कि जहां 16 आना प्रेम है, कहीं 8 आना है, कहीं 4 आना है, कहीं 0 है। ये हमको, जो लोग कहते हैं कि प्रेम तो ईश्वर की देन है, तो बाबा कैसे कहते हैं कि उसको निर्माण करो। इसीलिए बाबा कहते कि निर्माण करो, क्योंकि वो उपस्थित नहीं है किसी ग्रह पर। ये 8 आना का हमको पूरा 16 आना प्रेम हमको बनाना है, वो क्रिएट करना है, उसको बढ़ाना है। देखो ये विरोधाभास है, एक जगह हम बोलते हैं कि वो प्रेम उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, वो जबर जबरदस्ती से नहीं हो सकता है, वो करने से वो कसरत होगी प्रेम नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर मैं उदाहरण देना चाहूंगी कि आप देखो गायक है, कोई पेंटर है, वो लोग क्या करते हैं, वो कला है, वो उपजत होती है, परंतु वो उसको विकसित कैसे करते हैं, वो 4 आने उनके पास होती है, बाकी फिर 75% वो क्या करते हैं, उसको डेवलप करते हैं रियाज करके, और फिर कर करके उसमें अपने आप को वो ऐसा खो देते हैं, तब वो 16 आने उनका कला 100% शुद्ध प्रेम हो जाता है। प्रेम भी ऐसा ही है, उसको बनाओ, निर्माण करो, क्रिएट करो, बढ़ाओ, कोशिश करो, लेकिन ये जोर जबरदस्ती वाले नहीं होना। जैसे मनी माई कहती है, इट शुड बी अ जॉयस पाथ, या आनंद यात्रा होनी चाहिए। जैसे वो गायक को गाते गाते गायन में रियाज में मजा आने लगता है, ठीक इसी प्रकार ये प्रेम जिंदा दिली होना चाहिए, वह आनंददायी यात्री होना चाहिए, वो निर्माण करना है लेकिन वो आनंददायी होना चाहिए। जैसे कि बाबा के शब्द हम पढ़ेंगे, आपका प्रेम पूरे 16 आने के अनुपात में बढ़ना चाहिए,
ऐसा कैसे होगा? बाबा कहते हैं, जैसा कि बाबा ने कहा कल डाइनिंग हॉल में समझाया गया था, प्यार पैदा करना चाहिए। हर लेक्चर में हमने देखा है, लेक्चर किसी भी विषय पर हो, ये अभी खगोल शास्त्रीय इतना रहस्य बाबा ने इस दो तीन लेक्चर हम श्रृंखला में देख रहे उजागर किया है कि सूरज की निर्मित कैसी होती है वगैरह वगैरह। परंतु हर लेक्चर के अंत में बाबा बच्चों को क्या कह रहे हैं, प्रेम बढ़ाओ, प्रेम निर्माण करो और प्रेम बढ़ाओ। तो इसे ये अवतार है, इनके कहने भर से उसमें वो प्रेम निर्मिति में मदद होती है, वो प्रेम बढ़ाने में मदद होती है, बाबा के वो कहने से और मदद हो जाती है। तो आगे बाबा कहते हैं कि जैसा कल डाइनिंग हॉल में समझाया गया था कि प्यार पैदा करना चाहिए, सचमुच प्योर लव, दैवी प्रेम सोलो आने लायक। लेकिन ये कैसा प्रेम करना होगा, इसे सहजता और आनंद की अनुभूति के सहज, एकदम नेचुरल सहज होना चाहिए। जितनी हम सहज सांस लेते हैं, ऐसी सहजता और आनंद की अनुभूति के साथ वो होना चाहिए, हर्षित मनोदशा में होना चाहिए, उसमें आनंद की निर्मिति होनी चाहिए, प्रसन्नता पूर्वक उसको पूरा किया जाना है। जोर जबरदस्ती प्रेम नहीं होगा, और वो जोर जबरदस्ती होगा तो वो प्रेम नहीं होगा, वो हर्षोन्मिलित होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, प्रसन्नता पूर्वक उसको पूरा किया जाना चाहिए, न कि स्वभाव के उतार चढ़ाव के साथ या गंभीरता से या जब जब कर रहे उदास मनोदशा में, इस तरह से वो प्रेम नहीं होगा। बाबा कहते हैं, बाबा ने आगे कहा, उस बच्चे की गुड़िया की उपमा याद रखे जो आपको कल दी गई थी, और इस कटी पतंग को भी याद रखे जो लोह की रोशनी की चाहत में पागल हो जाता है, इस हद के अंततः वह भस्म हो जाता है और उसी में मर जाता है। ये गुड़िया की क्या बात थी, बाबा ने बच्चों को बताया था कि बाबा के बचपन में बाबा एक गुड़िया से खेलते थे, और वो कपड़े की गुड़िया से बाबा को बहुत प्रेम था, और हर समय बाबा वो गुड़िया अपने पास रखते थे। लेकिन बाबा वहां समझा रहे कि उनको जब कुछ भी काम नहीं है तब वो गुड़िया के साथ खेलते थे, बाकी समय वो अपने काम में, जैसे कि पढ़ाई है, खेल कूद है, जैसे वो हो जाएगा तो वो अपने गुड़िया को पास में लेके बैठते थे और उसमें उनको बहुत आनंद आता था। तो बाबा ये कहते कि इतनी सहजता से वो प्रेम निर्माण होना चाहिए। और गांगड़े सर को मैं विनती करती हूँ, और उसके पश्चात हम विनती करेंगे कि साइरस सर तैयार रहे। गांगड़े सर, जय बाबा। जय बाबा, बिल्कुल सही कहा आपने, इतने अच्छे तरह से इलेबोरेट किया कि एकदम सहजता से आनंदमय होके बाबा के प्रेम यानी प्रयास करना चाहिए बाबा का प्रेम मिलने के लिए, क्योंकि आखिरी लव इज ए गिफ्ट फ्रॉम गॉड टू मैन, वो तो देन उसकी है, वो तो गिफ्ट स्वरूप में उसके पास से आती है, लेकिन प्रयास जो है हमें करना है। और वो भी बाबा ने जो बताया कि बहुत आनंद से सहजता से प्रयास करना है। जय मेरे बाबा, जय मेरे बाबा। साइरस सर, आज हम सबको थोड़ा सा, देखो यूजुअली तो मुझे ख्याल नहीं रहता है कि दिवाली है, न्यू ईयर है, सब कुछ मैं भूल जाती हूँ, और वो भी नेचुरल है, अच्छा है, बाबा की देन है। लेकिन इस बार पता नहीं, ऐसा लगा कि अभी सोवा है तो थोड़ा सा उसको ये करते हैं, जो लोग केवल प्रतिभागी होते हैं उनको भी थोड़ा इस मौके पर अवसर दे दे अपने मन की बात बोलने का। तो सबको जिसको जिसको बोलना है अपने हैंड रेज करके रखिए, उस क्रम में श्वेतांबरी ले लेगी। लेकिन आज पहले हम साइरस जी को विनती करते हैं। आप लोगों को याद होगा कि शुरू में ये लेक्चर के लिए हम अलग अलग लोगों को बुलाते थे, साइरस जी को भी बुलाया था, इन्होंने भी एक लेक्चर बढ़िया किया था, मोस्ट पॉपुलर में से उनका रिकॉर्डिंग है। और विद्या जी है क्या, मुझे मालूम नहीं, बेंगलोर से विद्या जी है, वो भी करती थी बहुत बढ़िया। और अपने वाजपेयी जी है ग्वालियर से, वो भी करते थे। अब क्या है कि केवल किताब गोयल सर जी के पास है और बाबा उनको अपने प्रेम के जाल में फंसा रहे हैं और फंसाना चाह रहे हैं, तो हम वो खेल देख रहे हैं उनका, बाबा और उनके प्रेम का, और बड़ा मजा आता है आपका और बाबा का प्रेम का खेल देखने में, और बड़ी सहायता हुई है। अब जब हालत ऐसी हो गई है तो सब टीम ने मिलकर बहुत अच्छे से संभाला,
साइरस जी से मैं विनती करती हूँ। साइरस जी ने तब बोला था कि वो हिंदी के कारण नहीं कर पाएंगे, फिर विद्या जी ने आगे बोला कि उनको बाबा से आदेश आया है तो वो नहीं कर पाएंगे। नेहा जी से करवाते थे, फिर नेहा जी ने बोला कि नहीं ये काम मेहर कृपा आपके लिए बाबा ने रखा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब बाबा ने मेरी आवाज़ ही बंद कर दी थी कुछ हफ्तों से, और ये टीम बहुत बढ़िया बन गई है और ये अच्छी बात है। सब मिलजुल के प्रेम से करे तो बाबा उसमें ज़्यादा मजा लेंगे। जय बाबा साइरस जी। जय बाबा, जय बाबा। अच्छा, सबसे पहले मैं सबकी एपोलॉजी मांगता हूँ। आई एम बिकॉज नॉर्मली आई थिंक दोज पीपल हु नो मी उनको मालूम है कि मैं बहुत पंचुअल रहता हूँ, और मैंने ये फोपा बोलते हैं इतनी गड़बड़ कर दी कि मुझे लगा कि 6 बजे शुरू होता है ये प्रोग्राम। तो मैं स्वामिया को भी बोला मेरे को 6 बजे कुछ भी करके, यानी 6 में 2 मिनट कम में मैं एंट्री किया, देखा तो चालू हो, हम बोला ऐसे कैसे पहले चालू कर दिया। फिर वापस मैंने देखा आपका जो नोट आया था उसमें 5 बजे था, तो ये मेरी फुलिशनेस है, गलती है, तो उसके लिए प्लीज क्षमा करना, अदरवाइज आई वुड हैव कम एट 5 o'clock इटसेल्फ। अच्छा, अभी जो प्रेम की बात चलती है, वी ऑल नो, हम तो सब बाबा प्रेमी है तो हम जानते ही है कि बाबा कहते थे कि आई हैव ओनली वन मैसेज टू गिव एंड आई रिपीट इट एज आफ्टर एज, लव गॉड एंड बिकम गॉड। मैं एक ही मैसेज दे रहा हूँ युग युग से, और ये एक है कि प्रेम करो ईश्वर को और आप ईश्वर बन जाओ। अभी इसके ऊपर से एक कहानी मुझे याद आती है। बाबा के पास कोई मिलिट्री पर्सनल गया था, नाम भूल गया, तो उन्होंने बाबा को पूछा बाबा आपको हम कैसे प्रेम करें, यानी बाबा 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 ऐसा बोले करके। तो बाबा ने पूछा आपकी शादी हो गई है, बोला हाँ जी, आपकी बीवी का नाम क्या है, तो उन्होंने बताया ये नाम है करके। तो बोला आप बीवी को प्रेम करते हो, बोला हाँ बहुत करता हूँ, तो आप क्या माला लेके उनकी नाम की जप करते हो यहाँ वहाँ जाते जाते कि कैसे करते हो। तो बोला नहीं, ये इतना सहज है, इतना नॉर्मल है, इतना अनायास बोलते अपने आप वो हो जाता है, आई डोंट हैव टू डू दैट माला जप और समथिंग, वो अपने आप ही हो जाता है। तो फिर बाबा ने बताया कि वैसे ही मेरी याद रखनी है, सहज रूप से जो भी कुछ करते हो मुझे उसमें शामिल करो। आप खाना बनाते हो तो ये बाबा के लिए बना रहा हूँ, या मैं बाबा मेरे में है और वो बाबा ही ये कार्य करते हैं। ड्राइविंग करते हो, ट्रेन में ट्रेवल करते हो, हर दम बोलते हमको हर दम बाबा को याद करना है। तो एक सहवास में मुझे कहा गया है, मैं तो नहीं था, एक बाबा प्रेमी ने बताया कि बाबा ने खुद ने ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन करके दिया, अंदर श्वास लिया तो बा, बाहर श्वास निकाला तो बा, तो बा 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 बा, ऐसे अपने आप नॉर्मल नेचुरल रूप से सहज रूप से आपको बाबा को याद करना है। और बाबा ने एक भी बताया है कि नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल प्रेम जो हम शारीरिक प्रेम बोलो या मटेरियल लव बोलो, उसमें क्या होता है कि आप उनको प्रेम करते हो और बाद में वो प्रेम के कारण आप उनको याद करते हो। तो बाबा ने यहाँ पे एक सरल रास्ता दिखाया कि पहले आप मुझे याद करो और याद इतना करो कि अल्टीमेटली आप मुझे प्रेम करने को काबिल हो जाओगे। सो इन अदर वर्ड्स डायरेक्शन थोड़ा बाबा ने बताया कि आप खाली मेरा याद करते रहेंगे ना तो उसमें आपके अंदर प्रेम का ये स्प्राउट हो जाएगा। एक मर्तबा ये बाबा की नाम स्मरण की बात चल रही है, रुस्तम और सौरभ सब लोग हम जानते ही है बाबा के नेव्यू, उसको बाबा ने पूछा था कि आप लोग मेरी नाम लेते हो क्या, तो दोनों ने हाँ बोला, हाँ हाँ हर दम लेते हैं, कैसे लेते हो, तो दोनों ने शुरू किया बाबा 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 बाबा। तो बाबा हंस पड़े और बोला ये ऐसे कुछ नाम लिया जाता है क्या, ऐसे नाम लेना है क्या। एंड देन बाबा, दैट इज व्हाट रुस्तम सौरभ सेड, बाबा जैसे कि एक क्या बोलते हैं म्यूजिक का ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर कैसे वो लकड़ी लेके करते हैं ना बा 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 बा, ऐसे करके डेमोन्स्ट्रेट करके बोला कि ऐसे सहज रूप से प्रेम से दिल से खुशी से मुझे याद करना है।
सो यहाँ प्रेम की बात चलती है, प्रेम की ही बात चलेगी बाबा के कोई भी इसके अंदर, तो ये दो तीन चीजें मुझे याद आ गई तो मैं बोला मैं आपको शेयर करूँ। दैट्स ऑल, थैंक यू, जय बाबा। थैंक यू साइरस जी, थैंक यू सो मच, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा। ये बहुत सुंदर बताया। और ये एरची की एक कैसेट भी थी, जब बाबा वेस्ट में गए तो वहां पर भी लोगों ने बाबा से पूछा कि मेडिटेशन यदि करना है, आपका नाम का जप करना है तो कैसा करना है, तो एरच बाबा बता रहे थे और एरच अंकल इंटरप्रेट कर रहे। आपके किसी के पास वो कैसेट होगी तो जरूर ढूंढना, शायद प्रमोद नाफड़े जी है तो उनके पास भी होगी ये कैसेट, मेरे पास भी थी। तो बाबा बता रहे हैं और एरच अंकल उसको इंटरप्रेट कर रहे, वाह 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 वाह। तो इस प्रकार से वो एकदम बहुत सुंदर कैसेट है, किसी के पास है तो उसकी याद दिलाई साइरस जी ने, थैंक यू साइरस जी। ये आपके मीटिंग में नीलम गोयल हमेशा रहा करती थी आपकी बुक रीडिंग में, हमारे चित्तरंजन गांगड़े सर भी रहते हैं। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो ये नीलम जी के हस्बैंड है जो अरुण गोयल जी अभी पढ़ रहे हैं। ओके ओके, नमस्कार अरुण जी, जय बाबा। नमस्कार नमस्कार, जय बाबा जय बाबा जय बाबा। अच्छा, आपके अभी कोई और भी बोलना, आज फोरम सबके लिए खुला है, हमारे पास अभी भी समय है और आज थोड़ा समय भी लांग देंगे तो कोई बात नहीं है, तो कोई बात करना चाहे तो मोस्ट वेलकम, जय बाबा। इसमें मैं जब तक आप लोग तय करें, हैंड रेस करो, बिल्कुल मैं चाहूंगी कि सब लोग थोड़ा थोड़ा बात करें आज जरूर आपके लिए। यस, जय बाबा संतोषी जी। संतोषी वर्मा जी, जय बाबा, थैंक यू बाबा और समस्त टीम को थैंक यू कि हम बहुत लेट इस वर्चुअल क्लास से जुड़ पाए हैं। और वीडियो ऑन कर ले अपना, और जितना भी सुन पा रहे हैं बाबा के 6 दिसंबर के लेक्चर से सुना है हमने, तो बहुत अच्छे से समझ में आया। जो मन है वो उतने समय तक बिल्कुल ही नहीं इधर उधर जाता है, बाबा के प्रेम में इतना डूबा रहता है और बाबा का इतना प्रेम मिल रहा है और इन ग्रंथों का जो सुन पा रहे हैं और इनको हम अपने जीवन में आचरण में ले पा रहे हैं, बाबा को बहुत बहुत थैंक यू, जय बाबा। जय बाबा जी, बहुत बढ़िया, यही मकसद है। बाबा ने स्वयं बोला है कि ये जो उन्होंने किताबें या शब्द देके रखे हैं उसमें, जैसे कि बाबा ने कहा है कि मेरी फिल्म देखना ये मेरा दर्शन करने के जैसे बराबर है, तो उसी प्रकार बाबा ने ये भी कहा है कि ये सारा लिटरेचर जो बाबा ने दिया है, गॉड स्पीक्स है, एवरीथिंग एंड नथिंग है, जो भी डिस्कोर्सेस है एवरीथिंग, तो उसमें बाबा ने स्वयं ये कहा है, मेरे पढ़ने में आया कि उसमें शायद डॉन्किंस डायरी में या कहीं मैंने पढ़ा कि बाबा के इसमें बताया था, डॉन स्टीवंस बताते थे कि बाबा के इस लाइक स्पिरिचुअल एनर्जी वो इनपुट करते हैं, लाइक स्पिरिचुअल बॉम्ब, यू नो, सो व्होएवर वर्क्स विद दोस वर्ड्स आर बेनिफिटेड। एग्जैक्टली, डॉन स्टीवंस का ये कहना था। थैंक यू साइरस जी, तो यही बाबा ने कहा है कि उसमें बहुत सारा स्पिरिचुअल उन्होंने पावर देके रखा है, जो कोई उसे पढ़ेगा समझे नहीं समझे ही विल बी बेनिफिटेड आउट ऑफ इट, ऐसा बाबा ने कहा है। और ये बाबा के स्फूर्ति से ही ये चल रहा है। और साइरस जी तो करीब करीब अब 14 साल से ऊपर हो गए मेरे ख्याल से इसका, कई जगह पे जा कर के, और वहाँ पहले तो बॉम्बे सेंटर में फिजिकल हुआ करता था, अब ये पैंडेमिक के कारण ऑनलाइन शुरू हो गया, तो करीब करीब 14 साल से ऊपर हो गए साइरस जी बाबा की किताबें पढ़ रहे, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आगे और कोई बोलना चाहेगा? और मैं आज इस मौके पे ये जी जय बाबा विठ्ठल काजे जी बोलिए, अमरावती से विठ्ठल काजे।
अनम्यूट योर सेल्फ, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। विठल जी अनम्यूट। हाँ हाँ, जय बाबा। हाँ जय बाबा, जय बाबा। हाँ सभी को जय बाबा। सायरस जी को भी जय बाबा। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई। तो जब से मैं अभी ये चालू है इनका ग्रुप, तो मैं ग्रुप पे प्रेजेंस नहीं रहता, लेकिन ये अच्छी बात है कि यूट्यूब के माध्यम से मैं सुनता हूँ और देखता भी हूँ। जो भी आज तक के जितने भी किताबें हुए मैंने सुने हैं और देखे भी हैं, और ये ग्रुप पे जो कुछ किताबें बाबा के जो खास खास किताबें हैं उसका रीडिंग हुआ है, और जैसी मेरी सोच है कि जैसा समझना चाहिए हमको उस तरह से समझाया जाता है। बहन जी, पालवे जी, जो भी रीडिंग होने के बाद में उनकी जो समझ है, उनकी जो आकलन शक्ति है बहुत ही अच्छी है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उस तरह से हम समझ पाते हैं। और आज अभी जो ये किताब हमारे सामने है, तो पहले सुनते थे कि 18 ग्रहों पे मानव बस्ती है, लेकिन अभी ये 7 ग्रहों का इतना अच्छी तरह से समझ में आया कि यही एक बराबर बात है कि जैसा अभी उन्होंने एक एक ग्रह का जो विवरण बताया, जैसा हम अभी जो है यानी ये ग्रह पर है, जहाँ पे हम समझते कि हमारी बुद्धि और हृदय 50-50% है, तो हमारी जो स्थिति है हमारे में ख्याल में आती है। तो ये कहाँ पता था हमको कि बी ये बी और सी ग्रह होते हैं, और बी ग्रह पर क्या बी जगत पे क्या स्थिति होती है और सी जगत की क्या स्थिति होती है। तो ये इतने अच्छी तरह से समझ में आया कि हम सी से लेकर बी तक के, बी से लेकर ये तक के हम आए हुए हैं, और हमें ये पता चला कि हम कहाँ थे और कहाँ आए। तो ये इतना पूरा विवरण देने की जरूरत नहीं लगती मुझे, लेकिन ये इतना अच्छी तरह से समझ में आया कि ये हम कितने भाग्यशाली हैं कि आज हम ये जगत में हैं और ये सब बात हम समझ रहे हैं, हमारी बुद्धि और हमारा हृदय। और वो सब हमारा अब काम है कि हम बुद्धि को कितना महत्व दें और हमारे हृदय का कितना महत्व दें। तो इसका संतुलन बनाना ये हमारी ड्यूटी है। हमें बाबा ने यहाँ तक लाया है शीघ्र जगत से लेके तो ये जगत तक, तो हम हमारा यही कर्तव्य बनता है कि हमारा हृदय और हमारी बुद्धि का संतुलन बना के हमें बाबा की तरफ जाना है। ये आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए ये इतना ही ज्ञान काफी है हमारे लिए कि हमें अभी क्या करना चाहिए। तो ये किताब के माध्यम से ये बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया, और प्रेम के बारे में भी उन्होंने बताया कि जैसे कई जगह पे कॉन्ट्रोवर्सी है, वहां पे हमारी थोड़ी गड़बड़ होती है, लेकिन प्रेम तो हमें करना ही पड़ेगा जो भी माध्यम है बाबा ने बताए। तो बाबा की जो गिफ्ट है, बाबा बोलते कि प्रेम हम मेरी देन है, तो देन प्राप्त करने के लिए प्रेम तो हमें तो करना ही पड़ेगा, प्रयास तो हमें करना पड़ेगा। तो जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे, जब तक कि हम प्रेम करने के माध्यम नहीं ढूंढेंगे, तब तक हम प्रेम कैसे कर पाएंगे। और जब तक कि हम प्रेम में आगे नहीं बढ़ेंगे, तो जो बाबा की गिफ्ट है प्रेम, वो हमें कैसे प्राप्त करेंगे। तो उस लायक बनने के लिए जो भी बाबा ने हमें प्रेम करने के माध्यम बताए हैं, वो माध्यमों को लेके हमें बाबा से प्रेम बढ़ाना है, और बाबा की जो देन है प्रेम, और वो हमारे हृदय में है ही, वो हमारे हृदय में, वो उसको अपन थिंकी बोलते हैं या थोड़ी तिनकी बोलते हैं, उसको हमें जाला बनाना है, और जाला बना के हमें वो बाबा के साथ मिलाना है, और बाबा का वो जो गिफ्ट है दैवी प्रेम, वो हमें प्राप्त करना है। यहाँ तक की समझ ये किताब के माध्यम से हम लोगों को आती है, और ये बहुत ही अच्छा उपक्रम
हमारे ये पालवेताई के माध्यम से जो चल रहा है हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही फायदेमंद है। अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू काजे भो। कठारे काका भी है यहाँ, शायद बोलना चाह रहे। उसके पहले एक आपके प्रेम के बाद से एक और एक हिंट बाबा ने दी हुई याद आई है, कैसा प्रेम करना है, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, है ना? वो गाना है ना कोई फिल्मी, जो तुमको हो पसंद, जो उसे पसंद है वही बात करेंगे, वही आचरण करेंगे। जो बाबा को पसंद नहीं है वो आचरण नहीं करेंगे, वो कुछ भी नहीं करेंगे। अहम नहीं, स्पर्धा नहीं, दूसरों के पीठ पीछे निंदा नहीं, झूठ बोलना नहीं, जो भी उनको पसंद नहीं है, मतलब जो भी पश्चाताप, त्रिसूत्री में बोलती हमेशा, वो त्रिसूत्री हम याद रखेंगे, उस पर अमल करेंगे। त्रिसूत्री कौन सी? माय विश, हाउ टू लव गॉड एंड रिपेंटेंस प्रेयर। ये त्रिसूत्री बाबा ने दी है हमको। बाबा कहते हैं मैं सिखलाने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन ये त्रिसूत्री को हम अमल करेंगे तो वो प्रेम करने जैसा है, वही प्रेम है कि जो उनको पसंद नहीं है, हम हमारे हर एक विचार में, क्रिया में, शब्द में, आचरण में हमको ये ख्याल होना चाहिए। जैसे माँ सोचती है ना बच्चों को ये पसंद है तो ये सब्जी बनाओ, है कि नहीं? आप घर वाले के लिए जैसा सोचते हैं ऐसे बाबा के लिए सोचना है कि बाबा को ये पसंद है तो मुझे ये नहीं करना है। बस इतना सिंपल है प्रेम करना। इस कठारे काका जय बाबा। जय बाबा। हलवे ताई जय बाबा। आवाज है तो है? हो हो, जय बाबा काका बोला। जय बाबा। या आपले या उपक्रम, आपके इस उपक्रम के द्वारे हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो रही है, जो क्रिएशन से लेकर तो अभी ह्यूमन डेवलपमेंट तक। तो इसमें एक बात और साफ हो गई, जिसमें आप बाबा हमेशा जिक्र करते थे और वार्ता में से भी हम सुनते थे कि भाई जो तीन ऐसे जगत है जहाँ पर 100% इंटेलेक्ट है, वहाँ ये दूसरा जगत है 75% और 50% है, तो वो अपने अर्थ पे, पृथ्वी पे, अपने अपन जहाँ रहते हैं उसमें, इसीलिए गॉड रियलाइजेशन के लिए अपना ये पृथ्वी जो है, अपनी जो अपन अब जहाँ रहते हैं वही एक ऐसी जगह है जिसके द्वारा हम गॉड रियलाइज कर सकते हैं। और अभी जो बताया कि बाबा को जो चीज़ें चाहिए, काजी जी ने बताया, आपने भी बताया कि बाबा को जो पसंद है वही करना है, और ये इसका एक किस्सा मेरे ख्याल में है, और उसके पहले मैं बताऊंगा कि ये जो आपने एक बीच में बताया था कि अपना हृदय और मन, हृदय क्या कहता है ये मन ने करने को होना, ये जो आपने बताया, तो मन द्वारे ये किया जाएगा। अगर हृदय और दोनों का अगर कोऑर्डिनेशन रहेगा, जब उनकी हारमोनी रहेंगी, उनमें सुसंवाद रहेगा, तभी होगा। तो बाबा ने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया था, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग इज बॉर्न ऑफ द हारमोनी बिटवीन द माइंड एंड द हार्ट। तो ये जो है तो ये बहुत रिलेटेड है उससे, कि जब आध्यात्मिका बढ़ाने की है तो फिर ये करना ही है। तो इसके लिए अपने को ये माइंड जो है तो ये आखिर तक रहता है, सिक्स प्लेन तक रहता है, और ये बाबा ने बताया कि मैन माइनस माइंड इज इक्वल टू गॉड। तो अपने को गॉड रियलाइजेशन करना है तो फिर आपको माइंड को अलग रखना है, और ये मनोनाश जो है बाबा ने आखिरी इसमें उनके उसमें किया था उनके नवजीवन के इसमें, तो ये बहुत सही है, और ये इसमें अपने को जाना है। तो ये कैसा करना, तो किसी को क्या पसंद है, जैसे अपन अपने आपने बताया कि बच्चे को ऐसे सब्जी लगती है तो वैसी बना देती, मम्मा ऐसी बना देती है, माँ को उसकी उतनी फिक्र रहती है। तो एक किस्सा बाबा ने भी बताया था, बाबा के तरफ एक बाबा प्रेमी गया था, वो बोले बाबा आपको कैसा खुश रखने का, तो बाबा को बोले बाबा मैं मुझे कैसा खुश रखने का ये तू पूछ रहा है, तू अपने बेबी को कैसा खुश रखता है, तो बोले उसको जो चाहे वो चीज़ मैं ला के देता हूँ वो खुश हो जाती है, तो बस उसी तरह बोले मुझे क्या लगता है वो तू कर, और उसके बाद में तुझे जो है वो सब मेरा प्रेम मिल जाएगा, और मुझे तुझे जो चाहिए वो मैं तुझे दूंगा, ऐसा ही जो है। तो ये अभी ये इन सब एपिसोड के द्वारा सब जानकारी सब लोगों को हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है, और उससे भी आपको और सभी लोगों को धन्यवाद इसलिए है कि आप जो एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन करते हो
वो बहुत सही रहता है, सही इसका मतलब सही मैं समझने की नहीं, मुझे समझता इसलिए सही नहीं है, वो बहुत एक्सप्लेनेटरी रहता है। तो जो जैसा जो अपन देखा जाए बच्चों को पहले क्लास वाले को जो पढ़ाते टीचर, तो उस टाइम में उसको जिस प्रकार से पढ़ाया जाता है उसी तरह आप हम लोगों को पढ़ा रहे हैं, और ये हम थोड़ा थोड़ा नहीं 100% नहीं मगर थोड़ा थोड़ा तो हमारे दिमाग में आ रहा है। तो दिमाग तो सभी को दिया है मगर 100% दिमाग नहीं है, इसलिए वो थोड़ा सा कम समझ में आता है। तो ऐसा ही आपका ये कंटिन्यू चालू रखी है, और हम लोग आपका वो बाबा का प्रेम का आस्वाद ले सकेंगे, और आपके 100 जो एपिसोड है इसलिए आपने जो हमें एक अलर्ट किया था कि भाई आप ज्वाइन करो, बहुत हैप्पी एंजॉय करेंगे, तो वी आर रियली एंजॉयिंग एंड वी आर वेरी हैप्पी। जय मेहर बाबा, जय मेहर बाबा, जय बाबा। थैंक यू कठाय काका, इनका काफ़ी अभ्यास है गॉड स्पीक्स का, काफ़ी काम किया है उन्होंने, मेहराबाद में भी रहते थे। मेहर प्रसाद निम्जे, जय बाबा, जय बाबा। जय बाबा, जय बाबा, सभी को सत्यम जय बाबा। और स्पेशली थैंक टू साइरस खंबाटा जी, इनकी अभी मैंने वार्ता सुरेश वर्मा जी के जो सत्संग करते उनमें सुनी, उन्होंने बहुत सारा डिस्कोसेस बताया, और जो पालवे जी जो बता रहे हैं, और एक चीज का मुझे हरदम ये लगता है कि हम जब तक इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहते बिना वन और वन एंड हाफ और तो हमारा टोटली फोकस ये दुनिया से कट ऑफ हो जाता है, और इस पे हम कॉन्सेंट्रेटेड करते हैं और एक अलग ही दुनिया में चली जाते हैं। बहुत अच्छा भी लगता है कि इतनी सारी चीज़ें हमें यहाँ से जानकारी मिलती है, और अगर हम कितना भी एडवांस हो जाए, एडवांस मीन इन द सेंस ऑफ हम जितनी भी साइंटिफिक जो तरक्की कर रहे हैं, और मैं कभी भी सोचता हूँ कि ये बाबा ने जो डिस्कोसेस जो बताया है, जो मेयर आश्रम में आई थिंक मेरा मेयर आश्रम जो बच्चों को बताया है प्रेम आश्रम में, मुझे ईयर तो 1934 या समथिंग जो भी रहेगा, तो 1927 थैंक यू वेरी मच। अब 1927 में जो बताया है, और अब जितना भी नासा जो हमें सामने बता रहा है कि इस ग्रह पे ऊपर बिना वाटर फॉर्म मिला है, मेटल फॉर्म मिला है, और ये सब कुछ चीजें मिली है, और इससे और एक चीज को हम अब ये किताब पढ़ते इन एक जो साइंटिस्ट थे, जो फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, उनको भी जब उन्हें उनको ये जब दिया गया था अमेरिका में, अगर कहीं भी स्टोरी में कुछ गलत हो सकता है मेरी जितना, तो उन्होंने जब अमेरिका के गवर्नमेंट ने उनको दिया था कि आप देखो कि ये पर्सन जो इस जगह पे क्या करना चाह रहा है, तो जब वो साइंटिस्ट ने जब ये चीजें उसके पास टाइम नहीं था और अपनी लड़की को दिया था और ये सब चीज पढ़ने के लिए, तो उसकी लड़की ने कहा था कि ये जो चीजें अब ये बता रहे हैं ये हम 100 सालों के बाद में भी वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे जो अभी ये बता रहे, और ये चीज ऐसी चीज हम आईडी कौशिक जी के डैड के साथ भी हुई थी जब उन्होंने पढ़े थे, और आईडी कौशिक जी ने बोले कि ये जो चीजें बता रहा है ये सिर्फ भगवान के अलावा कोई नहीं बता सकता, और अभी जो आज का जो चैप्टर चला है और जिस हिसाब से ए बी एन सी सी ग्रह में माइंड 100% डेवलप हो जाता है, और वहाँ पे आंखों से बात होती है, जैसे कि अभी व्हाट्सएप का एग्जांपल दिए इन्होंने कि व्हाट्सएप के थ्रू हम किसी किसी को भी कैसे भी बात करते हैं, नॉट फॉर द वॉइस लैंग्वेज इज ये व्हाट्सएप के थ्रू। तो प्रतीक का जब किताब पढ़ता था तो वहाँ पे ये सोचने में मजबूर हो जाता था कि जो मस्तों से बाबा कांटेक्ट करते थे और एक एक घंटा उस कुटिया में या उसके एक एकांत में बैठे थे और बाबा तो मौन थे। अब मैं कभी भी सोच रहा था कि ये बाबा मौन रहने के बाद एक घंटा उस मस्तों के साथ बैठ के कैसे क्या किया रहेगा,
क्या क्रिया विधि किए रहेंगी जिसकी वजह से उनको ये सब आध्यात्मिक खेल दिया रहेंगे या कुछ भी वर्क किया रहेगा। और आज वो पॉइंट क्लियर हो गया कि सीए ग्रह में जो इंसान वुमन फॉर्म में ही रहता है लेकिन उनका 100% माइंड डेवलप हुआ रहता है, लेकिन वहाँ पे प्रेम भावना नहीं रहती। तो आज ये क्लियर हो गया कि बाबा ने आंखों से इशारा करना, आंखों ही आंखों से बात करना, माइंड टू माइंड कॉन्टेक्ट, इसकी वजह से वो कार्य करते गए। तो थैंक्स इस प्लेटफॉर्म को भी कि वो इतनी डीपली बात है। पालवी जी हमेशा कहते कि यू कैन ज्वाइन दिस मीटिंग, हमेशा मैसेज भेजते हैं लेकिन काम की व्यवस्था की वजह से मैं वो कर नहीं पाता, लेकिन आज स्पेशली उन्होंने मैसेज भेजा टुडे डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन दिस, और मैं सही में ज्वाइन हुआ और आज मुझको इससे फायदा भी मिला। और साइरस खंबाटिया जी को मैं भी क्वेश्चन भी पूछा लास्ट टाइम भी वो जब मीटिंग में आए थे, व्हाई द गॉडमैन वाज कमिंग इन द दिस अर्थ इन गॉडमैन गॉडमैन ओनली नॉट फॉर द ह्यूमन मैन ह्यूमन फॉर्म। तो साइरस जी ने भी उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, और आप सभी का धन्यवाद जो इस तरीके से आप हमें और इससे ज्यादा ज्ञान मिलेगा। नॉट फॉर द अभी ABC चल रहा है, अभी और सामने और कुछ जो आएगा हमें उसका लाभ मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, और आपने हमारे को इस सब चीज से अवगत करा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बाबा, बस ओके बाबा, थैंक यू बाबा, बाबा की प्रेरणा से है। और ये सब टीम वर्क है, देखो कोई लिंक लेता है हमेशा की लिंक लेती है। श्वेतांबरी मेहरा उसको कोहस मतलब सबको एडमिट करती है, वो एडमिट करने का काम एक तपस्या जैसा है, पूरा अलर्ट रह के हर एक को प्रवेश मिलना चाहिए क्योंकि हर एक में बाबा है। वो स्क्रीन प्रेजेंटेशन करना, अभी मेरी तबीयत खराब चल रही है तो कुछ हफ्तों से सारा पेजेस रोज पोस्ट करना सब कुछ ये लोग संभाल रहे, और ये बाबा डेफिनेटली विल बी हैप्पी व्हेन यू वी वर्क इन अ ग्रुप। थैंक यू। जय बाबा। सुनीता जी, जय बाबा। हाँ जय जय बाबा। मिसेस पालवी और उनकी टीम को बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि उन्होंने हम लोग को, हम जागृत तो थे पहले से बाबा को, और जागृत किया उन्होंने। हाँ बाबा तो है ही है, बाबा ही तो सब करते हैं। जैसे हमें पुण्यतिथि थी उनकी मुंशी प्रभु दयाल जी की इछौरा में 28 तारीख को, तो हमारा कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था, हमने गाड़ी अपनी ठीक कराई थी इसलिए उसको टेस्ट करना था कि वो ठीक चल रही है कि नहीं, इसलिए जाना था। फिर वो गाड़ी से गए भी नहीं, हम सिद्धपाल की गाड़ी से गए, और उनकी पुण्यतिथि थी तो प्रभु दयाल जी मेरे घर भी आते थे, उन्होंने बहुत बार आए, खाना खाया यहाँ पर, हम इस बात में बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। लेकिन हम मिसेस पालवी से थोड़ा सा हम एक्सक्यूज मांगते हैं। एक बात जो हमें पिंच करी थी कि ए बी और सी प्लेनेट में, अब हम लोग की हम टीचर रहे हैं 40 साल तक, तो हमारी आदत पड़ गई है कि हम गलतियां निकाल देते हैं, गलतियों में दिमाग चला जाता है, अपने आप ही अटेंशन चला जाता है। क्या हम सी प्लेनेट जहां पर 100% इंटेलेक्चुअल है, नो लव इज देयर, तो क्या हम बाबा और मैं बाबा जान जो आपस में इंटरेक्ट करते थे वो, क्या हम इस प्लैनेट से उनको कंपेयर कर सकते हैं? नहीं नहीं ना, नहीं, क्योंकि वो देखो हालांकि वो पूरे सृष्टि के निर्माता है और उनके अंदर पूरा नियंत्रण पूरा सृष्टि का है, उसमें ए प्लैनेट भी आता है, बी भी आता है, सी भी आता है, परंतु अवतार जब लेता है अवतार तो केवल ए प्लैनेट पे ही लेता है। बट परंतु वो पूरे विश्व के लिए, सारे प्लैनेट, सारे ग्रह गोल, सारे जगत, सारे विश्व सबके लिए वो काम करते हैं पहली बार। फिर उसमें छठवां जगत भी आएगा जिसके लिए वो काम करेंगे। ये जो ग्रहों की उत्क्रांति हमने देखी, इस उत्क्रांति में भी उनका हाथ है। जो बोलते हैं दैवी प्लान तो ये करना था, या युद्ध है, या अचानक हम इतना सारा विकास इस दुनिया में आजकल देख रहे हैं, कंप्यूटराइजेशन ये वो, तो दूसरे या तो जब भी अवतार आता है तब एकदम पॉपुलेशन बढ़ जाती है या युद्ध होते हैं। इसका कारण भी यही है कि दूसरे ग्रह गोलों से जो आत्मे ड्यू फॉर द प्रोग्रेस है, उन्नत है, वो आती है।
हाँ तो और जो ये तो मैं उदाहरण समझने के लिए दिया बाबा जान और बाबा वही मुझे जरा सा वो स्ट्राइक किया तो हम उसी तब से मैं मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं आपसे पूछूं नहीं पूछा करो जैसे हम तो अभी हर लेक्चर में आखिरी 15 मिनट छोड़ते ही है सवाल जवाब आज थोड़ा सा सबको अपने मन की बात की इसमें और कुछ देखो ये जब शुरू हुआ तो उसका आइडिया अलग था तो शुरू में अपने जगदीश भोपोफड़ी ने रिकॉर्डिंग किए थे ऑडियो वो बांटते थे फिर किसी किसी के फोन आने लगे कि भाई हम ऑफिस जाते हैं तो आप रिकॉर्डिंग करो अब रिकॉर्डिंग शुरू किया फिर किसी ने बोला कि इसको यूट्यूब में डाला करो हम भी अनपढ़ है इसमें ये टेक्नोलॉजी तो बिल्कुल नहीं समझ समझ सीख रहे अब गोयल सर अभी कुछ हफ्ते पहले ज्वाइन किए तो उन्होंने एक लड़के को बोल के उसको हमको उसने समझाया कि इसी में मीटिंग ज्वाइन कैसा करने का लैपटॉप में इसी में रिकॉर्ड कैसा करने अभी ट्रायल एरर चल रहा है तो इस प्रकार से ये धीरे धीरे ऐसा हो रहा है इसमें किसी को पढ़ना है किसी का अपने मत जैसा किसी ने बोला था कि एक टॉपिक एक सेशन में खत्म करो किसी ने बोला और एक्सप्लेन करो किसी ने बोला और थोड़ा सा स्पीड कम करो हम भी राय मांगते थे कि और कुछ सुधार करना है कुछ सजेशन दे दो क्योंकि हम भी इंसान हैं गलती होने की संभावना है बिल्कुल टाइम दुकान भी कभी फसल सकती है इधर का उधर ए का बी भी हो सकता है तो ये सब आप बिल्कुल फ्री रहिए हां सवाल आपके सवाल से कभी कभी दूसरों को भी फायदा हो सकता है थैंक्स सो मच दीदी जय बाबा ओके जय बाबा चलो और कोई यदि अभी सबकी बात हो गई है किसी को और बात करने का मन है तो प्लीज कम फॉरवर्ड और अगर नहीं है तो मधुकर डोंगरे जो है हमारे हमेशा मेरे नहीं लगता है कोई भी एपिसोड उन्होंने मिस किया है उनकी खराब हालत के बावजूद एकदम साइलेंट वो अटेंडेंट है एकदम साइलेंट कभी भी एक बार उनको प्रेयर बोला वो भी उन्होंने सुरेखा ताई को बोलने को दी थी तो मैं चाहूँगी आज मधुकर डोंगरे भाव होंगे यहाँ पर तो वो प्रेयर करें और आरती को ही कौन करना चाहेगा आरती सौम्या है क्या साइरस जी आपके साथ में हेलो सौम्या जी है वो बाजू के घर नहीं नहीं बाहर गई है अच्छा, वो बाहर गई है अदरवाइज वो मुझे ऐसे अकेले छोड़ती नहीं है कुछ काम था मैं बोला नहीं मैं यहीं पे बैठूंगा ओके मैं बता दूंगा आपने याद किया तो नाइस ऑफ यू फॉर अटेंडिंग मैं देखती हूं मधुकर डोंगरे अगर नहीं है तो आप प्रेयर कर लेंगे क्या प्रेयर का हम कोशिश करते हर बार किसी को मौका देने के मधुकर डोंगरे शायद लेफ्ट किए हैं लगता है तो हम नहीं जाओ नाम नहीं दिख रहा उनका नाम नहीं दिख रहा है तो लगता है बाबा चाहते है आज साइरस जी से ही प्रेयर हो जाए और कोई बोलना चाहेगा इसमें साइरस जी से करवाते जय बाबा जी जी अगर वो कंफर्टेबल है हाँ जी और मृणमयी है मृणमयी आप आरती करोगी बेटा जय बाबा मृणमयी या तो मृणमयी या तो रेखा जी आरती करेगी हाँ इंग्लिश में हाँ एक बार सबका राय लेती हूँ क्या हम कंक्लूड करें इस सेशन को और किसी को बात करनी है कुछ सुझाव देना है अब पता नहीं इन लोगों ने काम जय बाबा जय बाबा जय बाबा एक मैंने कहीं पढ़ा था अब वो बाबा के सेंटेंस था यू डू नॉट कंट्रोल योर माइंड बट यू कंट्रोल योर हार्ट एक स्टेटमेंट कहीं कहीं गलत हो रहा है क्या कहीं मेरे ध्यान से यू डू नॉट कंट्रोल योर माइंड बट कंट्रोल योर हार्ट तो मैं सारे चीजें पूछने होंगे कि ये स्टेटमेंट कहीं गलत है क्या सर
नहीं, मेरे मेरे सुनने में तो ये स्टेटमेंट आया नहीं है, पढ़ने में भी नहीं आया है। इतना बाबा ने कहा है कि लेट योर थॉट्स कम एंड गो, डू नॉट ट्राई टू कंट्रोल देम, बट हैव स्ट्रिक्ट विजिल ओवर योर एक्शंस। आपके आचरण में आपके एक्शंस के ऊपर कंट्रोल रखिए। जो थॉट्स आते हैं जाते हैं उनको सिर्फ साक्षी भाव से, विटनेस के रूप से देखिए। डू नॉट ट्राई टू कंट्रोल देम, यू नो वो हिसाब से है, लेकिन वो कंट्रोल योर हार्ट मुझे मुझे कभी पढ़ने को नहीं आया है, मेरे पढ़ने में नहीं आया है। नहीं, क्या होता है ना, देखो मेहर प्रसाद, ऐसा होता है कई सारे मैसेजेस ना आधे अधूरे तोड़ मोड़ के आते हैं, उसका ये नहीं है, उसका पूरा स्रोत आपको समझना चाहिए। ये पूरा मैसेज क्या है, कहाँ से आया, उसका स्रोत क्या है, ये जानना चाहिए। ठीक है, बाबा क्यों कहेंगे अपने हार्ट को कंट्रोल करो, हो सकता है। आई थिंक सौम्या इज कमिंग, सौम्या आ रही है तो उनको मैं बात नहीं, साइरस जी सौम्या विल जॉइन अस। आप प्रेयर, हाँ हम आप प्रेयर आप शुरू कर सकते हैं। जय बाबा डियर, जय बाबा। सो शैल वी स्टार्ट द प्रेयर प्लीज, मे वी स्टार्ट द प्रेयर? यस सर, यस। जय बाबा, जय बाबा। ओ परवरदिगार, द प्रिजर्वर एंड प्रोटेक्टर ऑफ ऑल, You are without beginning and without end, non-dual, beyond comparison, and none can measure you. You are without color, without expression, without form, and without attributes. You are unlimited and unfathomable, beyond imagination and conception, eternal and imperishable. You are indivisible and none can see you but with eyes divine. You always were, you always are, and you always will be. You are everywhere. You are in everything, and you are also beyond everywhere and beyond everything. You are in the firmament and in the depths. You are manifest and unmanifest on all planes and beyond all planes. You are in the three worlds and also beyond the three worlds. You are imperceptible and independent. You are the creator, the Lord of lords, the knower of all minds and hearts. You are omnipotent and omnipresent. You are knowledge infinite, power infinite, and bliss infinite. You are the ocean of knowledge, all knowing, infinitely knowing, the knower of the past, present, and the future, and you are knowledge itself. You are all merciful and eternally benevolent. You are the soul of souls, the one with infinite attributes. You are the trinity of truth, knowledge, and bliss. You are the source of truth, the ocean of love. You are the ancient one, the highest of the high. You are Prabhu and Parameshwar. You are the beyond God and the beyond God also. You are Parabrahma, Allah, Ilahi, Yazdan, Ahura Mazda, and God the Beloved. You are named Izzat, the only one worthy of worship. We repent, O God, most merciful, for all our sins, for every thought that was false or unjust or unclean, for every word spoken that ought not to have been spoken, for every deed done that ought not to have been done. We repent for every deed and word and thought inspired by selfishness, and for every deed and word and thought inspired by hatred. Most especially also, we repent for every action that has brought ruin to others, for every word and deed that has given others pain, and for every wish that pain should befall others.
in your unbounded mercy, we ask you to forgive us, O God, for all these sins committed by us, and to forgive us for our constant failures to think and speak and act according to your will. Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's Dhamma till the very end. Avtar Meher Baba Ki Jai. बहुत सुंदर, थैंक यू. जय बाबा. अमृत में आरती बोलो बेटा. हो हो. जय बाबा. अवतार मेहर बाबा की जय. मेहर अवतारा स्वीकारा आरती ही तुम जी केली बनी निरंजनी लावनी ज्योत मनाची धूप जाळुनी दीप लावनी पुष्पे अर्पुनी हो देवा पुष्पे अर्पुनी मोठे पण का मजला तुमचे तुम्हा देवोनी मेहर अवतारा स्वीकारा आरती ही तुमची केली मनी निरंजनी लावनी ज्योत मनाची तुम्हीच कारक तुम्हीच तारक आदि तुम्ही अंती देवा आदि तुम्ही अंती तुमच्या सम हो तुम्हीच देवा दुसरी नोती मेहर अवतारा स्वीकारा आरती ही तुमची केली मनी निरंजनी लावनी ज्योत मनाची तुमची माया सर्वचराचर छाया ही तुमची ओ देवा छाया ही तुमची अनंत तुम्ही थोरी न कळे वर्णावी कैसी मेहर अवतारा स्वीकारा आरती ही तुमची केली मनी निरंजनी लावनी ज्योत मनाची माझा मजला ठावन महिमा सांगू तव कैसा देवा सांगू तव कैसा अज्ञपणे मी गातो भजतो माझा भाव असा देवा माझा भाव असा मेहर अवतारा स्वीकारा आरती ही तुमची केली मनी निरंजनी लावनी ज्योत मनाची कृपावंत तुम्ही असीम तुम्हा काय कुणी द्यावे ओ देवा काय कुणी द्यावे एक मागणे स्मरण तुझे नित तव भक्ता व्हावे मेहर अवतारा स्वीकारा आरती ही तुमची केली मनी निरंजनी लावनी ज्योत मनाची अवतार मेहर बाबा की जय अवतार मेहर बाबा की जय अवतार मेहर बाबा की जय वेरी गुड थैंक यू अहिंसा सॉरी आई हैड फॉरगॉटन अहिंसा जय बाबा आरती आरती जय बाबा हो हो जय बाबा Please switch on your video. Actually, I'm outside. But it's okay. Yeah, I can. Jai Baba to all. Mm-hmm.
हुआ लहर से ही है जिसकी सृष्टि का निर्माण उसकी दैवी अनंतता ऐसे हो अनुमान आदि सचेतन शांति निकेतन आदि सचेतन शांति निकेतन नमो ब्रह्म आओ मेरे प्रभु आरती अपनाओ मेरे प्रभु आरती अपनाओ प्रेम दीप में दी जलाओ निबिड़ा घेरा मिटता पाऊं अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊं अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊं तुम मुझको सरसाओ मेरे प्रभु आरती अपनाओ मेरे प्रभु आरती अपनाओ जीवन की हर सांस हमारी बन जाए प्रभु गति तुम्हारी हे करुणा कर लीलाधारी हे करुणा कर लीलाधारी तुम करुणा बरसाओ मेरा प्रभु आरती अपनाओ मेरा प्रभु आरती अपनाओ बनी आरती जीवन मेरा बनी आरती जीवन मेरा आदि अंत का लय हो तेरा आदि अंत का लय हो तेरा खुले नयन और दिखे सवेरा खुले नयन और दिखी सवेरा तुम मुझ में छा जाओ मेरे प्रभु आरती अपनाओ मेरे प्रभु आरती अपनाओ आदि सचेतन शांति निकेतन आदि सचेतन शांति निकेतन नमो ब्रह्म आओ मेरे प्रभु आरती अपनाओ मेरे प्रभु आरती अपनाओ मेरे प्रभु आरती अपनाओ बोलो अवतार मेहर बाबा की जय जय बाबा ताई बाबा की जय सभी जो भी ज्वाइन हुए सबका बहुत आभार बाबा के आभार और गोयल सर गांगरे सर श्वेतांगी खेत की वो मेहर आज बहुत सुंदर बोलती है लेकिन आज वो नहीं है लेकिन लिंक उसी को है सभी के बहुत बहुत आभार ताई हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन अरे तुमको कांग्रेचुलेशन जो ज्वाइन करते हो बिल्कुल तो बाबा की मेहर है कितना कितना है और मजा आ रहा है जय बाबा जय बाबा चलो छान प्रोग्राम चलो मेरे बाबा की जय बोलो हाँ
जय बाबा।